So hello everyone, this is CS Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. And first of all, I am very much thankful for the superb response you have given to the revision lectures of law part 1, part 2 and part 3, right? So ab jo aa rahe hain, hum apne part 4 ke andar aa rahe hain. Aur part 4 ke andar hum log kya discuss karne wale hain? Part 4 ke andar sabse pehle hum log discuss karne wale hain directors ka jo hamara teesra chapter bach gaya tha, that is chapter number 13 of Companies Act 2013, appointment and remuneration of managerial personnel, and which deals with section 196 to 205, जो कि deal करता है with section 196 to 205. राइट, तो सबसे पहले हम लोग डील कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 से, एंड उसके बाद हम लोग आगे के प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, डू लाइक द वीडियोस. राइट, तो अगर हम बात करें तो देखना अगेन, जैसे कि हमने डायरेक्टर्स के पहले दो चैप्टर्स के अंदर एक कैटेगराइजेशन किया था और काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेजेस भी आया था कि सर कैटेगराइजेशन की वजह से चैप्टर बिकेम सिंपल. सिमिलरली ये कैटेगराइजेशन हम लोग चैप्टर 13 के अंदर करेंगे. इट्स अगेन ए वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर. चैप्टर नंबर 13, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल, जो कि सेक्शंस कवर करता है सेक्शन 196 टू 205. चैप्टर को हमने चार पार्ट में कैटेगराइज कर दिया. अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन पहला पार्ट, कंपेंसेशन दूसरा पार्ट, KMP तीसरा पार्ट, एंड मिसलिनियस या फिर अदर्स कैटेगरी चौथा पार्ट. तो अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन के अंदर वी हैव सेक्शन 196, 197, 198 एंड 199, जिसके अंदर भी पार्टिकुलरली 196 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट, 197, 198 एंड 199 टॉक्स अबाउट रेमुनरेशन. इफ आई टॉक अबाउट कंपेंसेशन, तो कंपेंसेशन के लिए वी हैव सेक्शन 202, then we have section 2034 KMP, that is for key managerial personnel, and then we have some others miscellaneous section जो कितना important नहीं है exams के लिए, जैसे कि section 200 हो गया हमारा, 201 हो गया, 204 हो गया and 205 हो गया. राइट, तो छोटा सा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है. एंड अगेन जब हम अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो रेडविड शेड्यूल 5, दिस इज ऑल्सो रेडविड शेड्यूल 5. दिस चैप्टर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू स्मॉल डेफिनेशंस दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर एग्जाम्स, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ KMP, की मैनेजर पर्सनल कौन है, डेफिनेशन ऑफ MD, डेफिनेशन ऑफ मैनेजर. ये जो डेफिनेशन है पार्टिकुलरली आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि KMP कौन है, MD कौन है, मैनेजर कौन है. तो अगर हम बात करें KMP की, अगर हम बात करें KMP की, की मैनेजर पर्सनल की, तो KMP डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अंदर, मैनेजर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 53 के अंदर, और MD डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 54 के अंदर. तो KMP कौन है, की मैनेजर पर्सनल. की मैनेजर पर्सनल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसा बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में एक की रोल प्ले करता है, ही इज द की मैनेजर पर्सनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो अगर हम KMP के डेफिनेशन बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 51 में लिखा गया है KMP इन रिलेशन टू ए कंपनी, मतलब हम कंपनी के रिलेशन में बात कर रहे हैं. KMP इन रिलेशन टू ए कंपनी मींस, डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले अपने को देखना होता है कि वर्डिंग क्या यूज की है. राइट, कंपनी मींस यूज किया है, मींस यूज किया मतलब ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है. तो KMP इन रिलेशन टू ए कंपनी मींस KMP में कौन कौन आएगा, KMP में CEO आएगा, दैट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर. साथ ही साथ कंपनी सेक्रेटरी विल ऑल्सो कम इन द डेफिनेशन ऑफ KMP, ए होल टाइम डायरेक्टर विल ऑल्सो कम इन द डेफिनेशन ऑफ KMP, CFO दैट इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विल ऑल्सो कम इन द डेफिनेशन ऑफ KMP. इन अदर वर्ड्स आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि जो भी सी कैटेगरी के लोग हैं, सी कैटेगरी के लोग हैं मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, CSO हो गया, CFO हो गया, और फिर MD है, WTD है, मैनेजर है, ये सारे लोग KMP के डेफिनेशन के अंदर आएंगे. या फिर सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु आर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है उससे एक लेवल नीचे तक जो लोग रैंकिंग में है आप उनको भी KMP डेजिग्नेट कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा नीचे अगर किसी की रैंकिंग है आप उसे KMP डेजिग्नेट नहीं कर सकते हो, या फिर सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. उसके बाद वी हैव डेफिनेशन ऑफ मैनेजर वर्सेस MD की मैनेजर कौन है, MD कौन है. अगर हम डिफरेंसेस की बात करें दोनों में, तो भाई मैनेजर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 53 के अंदर, MD डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 54 के अंदर. मैनेजर, इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड मैनेजर, टू बी ए मैनेजर तुम्हारा डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि तुम कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो बट फिर भी तुमको कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए. लेकिन जैसे कि नाम में ही लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि अगर आपको कंपनी का MD बनना है, सपोजिंगली यू वांट टू बी एन MD ऑफ द कंपनी, द फर्स्ट प्राइम ऑफ फेस रिक्वायरमेंट इज दैट यू हैव टू बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. अनलेस एंड अंटिल यू आर अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यू कैन नॉट बी एन MD ऑफ द कंपनी. बट टू बी ए मैनेजर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी ए डायरेक्टर. राइट, मैनेजर कौन है, मैनेजर एक इंडिविजुअल है जो काम करता है सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस,
कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बीओडी, यानी मैनेजर के ऊपर कौन है, मैनेजर के ऊपर सिर्फ बोर्ड है एंड मैनेजर के पास सब्सटेंशियली होल ऑफ द एंटरप्राइज के पावर्स है। और एमडी कौन है, एमडी मतलब मींस ही इज अ डायरेक्टर, मतलब ये कंपनी का एक ऐसा डायरेक्टर है जिसको सब्सटेंशियल पावर्स दिए गए हैं। और फिर डेफिनेशन के अंदर एक क्लैरिफिकेशन भी है कि अगर रूटीन नेचर के पावर्स दिए गए हैं, अगर रूटीन नेचर के पावर्स दिए गए हैं जैसे कि साइनिंग हो गया, साइनिंग सर्टिफिकेट्स हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह बनाना हो गया, एग्जीक्यूट करना हो गया, तो इन पावर्स को देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमने उसे एमडी बना दिया है। उसके बाद कमिंग टू द फर्स्ट कैटेगराइजेशन, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेमोनरेशन। तो इफ यू टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, तो अपॉइंटमेंट कहां कवर्ड है, सेक्शन 196 में कवर्ड है। अपॉइंटमेंट कहां कवर्ड है, सेक्शन 196 में कवर्ड है। तो सेक्शन 196 पार्टिकुलरली डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और ए मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और ए मैनेजर, राइट। यहां पे एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। तो यहां पे अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 196 के अंदर, सबसे पहले कहा गया है कि भाई एक कंपनी के अंदर एक एमडी और मैनेजर इकट्ठा अपॉइंट नहीं हो सकता, या तो कंपनी में आप एमडी अपॉइंट कर सकते हो या तो कंपनी में आप मैनेजर ही अपॉइंट कर सकते हो। इट कैन नॉट हैपन दैट यू नो कि यू कैन अपॉइंट द एमडी एंड द मैनेजर एट द सेम टाइम इन द कंपनी, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद टेन्योर की बात की गई है कि जो एमडी होता है, डब्ल्यूटीडी होता है या जो टेन्योर होता है, इनका मैक्सिमम जो टेन्योर होता है दैट इज 5 years। 5 साल के बाद इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, बट जब आप एक बार अपॉइंट करोगे तो एक बार अपॉइंट करने के लिए इनका जो मैक्सिमम टर्म हो सकता है दैट इज 5 years। एंड इनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, इनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 years। मतलब नॉर्मल टेन्योर 5 साल का है और जो रीअपॉइंटमेंट है वो पॉसिबल है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 years। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 196 सबसेक्शन 3, जहां अमेंडमेंट भी है। सेक्शन 196 सबसेक्शन 3 डील्स विद एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस। सेक्शन 196 सबसेक्शन 3 बात करता है एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। यानी कि एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस क्यों बोला मैंने, बिकॉज तुमको याद होगा सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के अंदर तुमने डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालिफिकेशंस देखे थे। यानी जो डिस्क्वालिफिकेशंस डायरेक्टर के लिए देखे थे वो तो अलग है, वो डिस्क्वालिफिकेशंस सिर्फ नॉर्मल डायरेक्टर के लिए थे। लेकिन सपोजिंगली अगर आपको एमडी बनना है, सपोजिंगली आपको डब्ल्यूटीडी बनना है, तो आपके लिए ये एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस है। और डिस्क्वालिफिकेशंस इसके अलावा एक जगह और मिलेगा आपको, जो कि आपको शेड्यूल 5 में मिलेगा। तो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, दैट इज You should not be below the age of 21 years or should have attained the age of 70 years. यानी normally section 196 subsection 3 clause A में कहा गया है कि अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है या फिर अपने 70 years का age attend कर लिया है तो आप कंपनी के MD, WTD या manager नहीं बन सकते, right? उसके बाद अगर आप एक undischarged insolvent हो, राइट, या कभी भी आपको इनसॉल्वेंट एडजस्ट किया गया था, तब आप क्या नहीं बन सकते, एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर नहीं बन सकते। या फिर आपने कभी भी सस्पेंड किया था पेमेंट टू योर क्रेडिटर्स, तब भी आप क्या नहीं कर सकते, एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर नहीं बन सकते। आपको कभी भी कोर्ट ने कन्विक्ट किया, कभी भी आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया था किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया था और कन्विक्शन का पीरियड एटलीस्ट 6 months का था, तो आप कभी भी लाइफ में एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर नहीं बन सकते हो, राइट। तो ये क्या है, कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। अब यहां पे अमेंडमेंट कहां है, यहां पे अमेंडमेंट है सेक्शन 196 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए के अंदर। आपको याद होगा सेक्शन 196 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए के अंदर एक पहले एक प्रोविजो था, दैट इज प्रोवाइडेड दैट अगर आपकी उम्र 70 साल है या 70 साल से ज्यादा है, तब भी आपको कंपनी का एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर बनाया जा सकता है बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन, राइट। अब इसका भी एक अमेंडमेंट है, इसका भी एक एग्जम्पशन है, एक फर्दर प्रोविजो इंसर्ट किया गया है, बोला कि एसआर की भी जरूरत नहीं है। एक फर्दर प्रोविजो इंसर्ट किया गया, बोला कि एसआर की भी जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं है एसआर के भी, मान लीजिए कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्टर है, मान लीजिए कि अजीम प्रेम जी हैं, मान लीजिए रतन टाटा जी हैं, तो पार्टिकुलर डायरेक्टर हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, बट आप उनको एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर बनाना चाहते हो, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की कोई जरूरत नहीं है। कंडीशन है दैट वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ मोशन मस्ट एक्सीड वोट्स कास्ट अगेंस्ट द मोशन। मतलब सिंपल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। उसके बाद पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द मोशन मस्ट एक्सीड द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द मोशन। उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगना चाहिए कि हाँ भैया जस्टिफाइड है, अगर इस पर्टिकुलर बंदे को कंपनी का एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर बनाया जाता है तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाट द सेक्शन सेज। उसके बाद अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर की,
तो कंडीशंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, मतलब द स्टेप वन विल बी दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर गोइंग टू कन्वीन ए बोर्ड मीटिंग एंड देन दे आर गोइंग टू पास ए बोर्ड रिजोल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग. उसके बाद यू हैव टू कन्वीन ए जनरल मीटिंग एंड यू हैव टू पास ए रिजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. एंड साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको शेड्यूल 5 की कंडीशंस पूरी करनी होगी, और अगर आप शेड्यूल 5 की कंडीशंस पूरी नहीं करते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो ये सारी बातें किसके लिए है, अपॉइंटमेंट के लिए है. ये सारी बातें किसके लिए है, यहां पे अपॉइंटमेंट के लिए है. अब आ रहे हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 197. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. आप सेक्शन 197 को अपने एग्जाम के लिए पार्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करें. अब देखिएगा सेक्शन 197 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्शन 197 के अंदर है मेजर अमेंडमेंट्स. अब आपको याद होगा कि सेक्शन 197 किस चीज की बात करता है, सेक्शन 197 ओवरऑल रेमुनरेशन के लिमिट्स की बात करता है कि पब्लिक कंपनीज के अंदर अब अपने डायरेक्टर्स को मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना दे सकते हो. जितने भी तुम्हारे डायरेक्टर्स हैं, तुम्हारे एमडीज हैं, तुम्हारे डब्ल्यूटीडीज हैं, तुम्हारे मैनेजर्स हैं, आप सबको मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना दे सकते हो. तो सेक्शन 197 के अंदर कहा गया है कि आप मैक्सिमम रेमुनरेशन दे सकते हो अपने डायरेक्टर्स को 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. कितना रेमुनरेशन दे सकते हो सर, आप मैक्सिमम रेमुनरेशन दे सकते हो अपने डायरेक्टर्स को 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी का कोई भी एक एमडी है, कोई एक मैनेजर है, एक डब्ल्यूटीडी है, तो आप उसे मैक्सिमम रेमुनरेशन दे सकते हो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के अंदर अगर एक से ज्यादा एमडी है, डब्ल्यूटीडी है, मैनेजर है, आप उनको टोटल रेमुनरेशन मिलाकर दे सकते हो 10%, बिकॉज बचे हुए डायरेक्टर्स के लिए भी तो 1% छोड़ना पड़ेगा ना भाई. टोटल रेमुनरेशन 11% पे कर सकते हो. अगर एक से ज्यादा एमडी है, डब्ल्यूटीडी है, मैनेजर है, उनको आप मैक्सिमम पे कर सकते हो 10%, बिकॉज बाकी डायरेक्टर्स के लिए भी 1% आपको छोड़ना पड़ेगा. तो अदर डायरेक्टर्स का मैक्सिमम रेमुनरेशन हो सकता है 1%, प्रोवाइडेड दैट कंपनी के अंदर एमडी है, डब्ल्यूटीडी है, मैनेजर है. और अगर कंपनी के अंदर कोई एमडी नहीं है, डब्ल्यूटीडी नहीं है, मैनेजर नहीं है, तो आप एक ऑर्डिनरी डायरेक्टर को मैक्सिमम दे सकते हो 3%. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले क्या कहा गया था, यानी पुराने लेटर से कि पुराना जो लॉ था उसके अंदर क्या कहा गया था. पुराने लॉ के अंदर कहा गया था कि अगर आप ओवरऑल लिमिट ऑफ 11% जंप करते हो, अगर आप ओवरऑल लिमिट ऑफ 11% जंप करते हो तो वहां पे आपको शेड्यूल 5 की कंडीशंस पूरी करनी पड़ती थी, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था. अगर आप इंडिविजुअल लिमिट जंप करते थे, दैट इज 1% है, 3% है, 5% है, 10% है, 11% है, राइट. अगर आप इंडिविजुअल लिमिट जंप करते थे तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता था, ऐसा पुराने लॉ में कहा गया था. नाउ द चेंजेस, अब जो चेंज है वो क्या कहा गया है, अगर आप इंडिविजुअल लिमिट्स भी जंप करते हो, दैट इज 1%, 3%, 5%, 10%, अगर आप इंडिविजुअल लिमिट्स भी जंप करते हो, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को कर दिया गया है स्पेशल रिजोल्यूशन. यानी अब आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा, कंपनी को सीधा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. और साथ ही साथ एक कंडीशन यहां पे लाया गया है कि मान लीजिए कंपनी ने बैंक से लोन लिया था, मान लीजिए कंपनी ने बैंक से लोन लिया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर से लोन लिया था, किसी भी सिक्योर्ड क्रेडिटर से लोन लिया था, और उनका पेमेंट आज की तारीख में सबसिस्टिंग है, उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, देयर इज अ डिफॉल्ट ऑफ मेकिंग द पेमेंट. तो भैया तुमने बैंक का लोन लिया, तुमने डिबेंचर होल्डर्स का लोन लिया, तुमने PFI का लोन लिया, तुमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का लोन लिया, तुमने उनका पैसा अभी तक नहीं चुकाया, बट तुम डायरेक्टर्स को बियॉन्ड द लिमिट जाकर रेमुनरेशन पे कर रहे हो, नहीं चलेगा. तो सेक्शन के अंदर गया है ना केवल आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, बल्कि आपको उन पार्टीज का अप्रूवल भी लेना है. सिमिलरली अगर हम ओवरऑल लिमिट ऑफ 10% जंप करते हैं, तो कहा गया है कि आपको मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको शेड्यूल 5 की कंडीशंस पूरी करनी होगी, और साथ ही साथ अगर बैंक का डिफॉल्ट है, PFI का डिफॉल्ट है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का डिफॉल्ट है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स का डिफॉल्ट है, तो आपको उनका अप्रूवल भी लेना पड़ेगा अगर उनके पेमेंट में कोई डिफॉल्ट सब्सिस्टिंग है, राइट. अगर उनके पेमेंट में कोई डिफॉल्ट सब्सिस्टिंग है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल का पार्ट था उसे हटा दिया गया है, CG का जो अप्रूवल का पार्ट था उसे हटा दिया गया है. अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, लॉ के अंदर जब इंडिविजुअल लिमिट्स की बात करी 1%, 3%, 5%, 10%, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया गया कि भैया तुम लिमिट्स को जंप करते हो ना, तो तुमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है. लेकिन जब बात किया ओवरऑल रेमुनरेशन 11% का, तो वहां पे सिर्फ इतना कह दिया कि अगर तुम लिमिट्स को जंप करते हो ना, मेंबर्स का अप्रूवल लेना है. अब नॉर्मल लेमन लैंग्वेज के अंदर अगर लॉ के अंदर वर्डिंग यूज होती है अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स, तो अपन एज्यूम करते हैं दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, दिस इज द रूल ऑफ द लॉ. बट यहां पे क्या हो रहा है कि भैया इंडिविजुअल लिमिट्स के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की बात हो रही है, और ओवरऑल लिमिट के लिए सिर्फ आप रिजोल्यूशन की बात कर रहे हो. तो इसीलिए हम लोग एक लॉजिकल अजम्पशन लेते हैं कि यहां पे ओवरऑल लिमिट्स इंक्रीज करने पे भी अपने को क्या चाहिएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन ही चाहिएगा. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर. उसके बाद आपको याद होगा कि सेक्शन 197 के अंदर पहले कहा गया था,
सेक्शन 197 के अंदर पहले कहा गया था भाई कि अगर आप एक्सेस रेमुनरेशन पे कर देते हो डायरेक्टर्स को, अगर आप एक्सेस रेमुनरेशन पे कर देते हो डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टर्स उसे ट्रस्टी के कैपेसिटी में होल्ड करेंगे और उनको पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। बट ये नहीं कहा गया था कि डायरेक्टर्स वो पैसा कितने टाइम में रिफंड करेंगे। तो अब ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि डायरेक्टर्स को एक्सेस पैसा 2 साल के अंदर रिफंड करना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 ईयर्स के अंदर पैसा रिफंड करना पड़ेगा, या फिर लेसर टाइम पीरियड एज बी स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। मतलब अगर कंपनी ऐसा स्पेसिफाई कर देती है कि भैया डायरेक्टर्स को वो एक्सेस पैसा 6 महीने में रिफंड करना है तो वैलिड है। कंपनी अगर ऐसा स्पेसिफाई कर देती है दैट डायरेक्टर्स को वो एक्सेस पैसा 1 साल के अंदर रिफंड करना है वैलिड है, 2 साल के अंदर रिफंड कर देना है वैलिड है, 3 साल के अंदर रिफंड कर देना है वैलिड नहीं है। उसके बाद सेक्शन के अंदर फर्दर कहा गया है, पहले कहा गया था कि कंपनी ने जो एक्सेस पैसा डायरेक्टर्स को दिया है उस एक्सेस रेमुनरेशन को कंपनी कभी भी वेव ऑफ नहीं कर सकता अनलेस द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकन। यहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल को हटा दिया गया है और उसे स्पेशल रिजोल्यूशन से रिप्लेस कर दिया गया है। दैट इज अगर आपने डायरेक्टर को एक्सेस रेमुनरेशन पे किया है आप उसे वेव ऑफ कर सकते हो बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। आपको याद होगा सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर कहा गया था कंपनी अगर कभी भी क्या करती है रेमिट करती है, कंपनी अगर कभी भी क्या करती है वेव ऑफ करती है या रेमिट करती है सम ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर, तो ऑब्वियस सा चीज है कि यहां पे एक्सेस रेमुनरेशन भी इंक्लूडेड है, तो यहां पास करना पड़ता था स्पेशल रेजोल्यूशन। जबकि सेक्शन 197 में कहा गया कि अगर कंपनी ने एक्सेस रेमुनरेशन जो डायरेक्टर को पे किया है अगर इसे वेव ऑफ करना है तो यहां पे चाहिए सीजी अप्रूवल। तो प्रैक्टिकली एक तो डिस्प्यूट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, और अगर आप हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लगाते हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी चाहिए सीजी अप्रूवल भी चाहिए, जो नॉनसेंस निकल के आ रहा है। सो दैट इज वाई इन्होंने क्या किया कि सेक्शन 197 को 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी से हार्मोनाइज करने के लिए सीजी अप्रूवल को यहां हटा दिया और यहां भी स्पेशल रिजोल्यूशन कर दिया। फर्दर सेक्शन 197 के अंदर एक पॉइंट थोड़ा सा रेलिवेंट है हमारे लिए, एक पॉइंट रेलिवेंट है दैट इज यहां पे एक चीज और है कि अगर ये पैसा वेव ऑफ करते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही करना है, साथ में अगेन बैंक पीएफआई वगैरह का अप्रूवल चाहिए अगर उनका डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है। और जो रेमुनरेशन के लिमिट्स की बात की है 1%, 3%, 5%, 10%, 11%, इस रेमुनरेशन के अलावा डायरेक्टर्स को और क्या पे किया जा सकता है। अगर एक डायरेक्टर प्रोफेशनल भी है कंपनी में, डायरेक्टर भी है प्रोफेशनल भी है, तो इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल उसे फीस पे की जा सकती है प्रोवाइडेड दैट कि वो प्रोफेशनल है इन द ओपिनियन ऑफ एनआरसी एंड द बोर्ड, एंड उसको सिटिंग फीस एडिशनली पे किया जा सकता है दैट इज पर बोर्ड मीटिंग बैठने के पैसे पे किए जा सकते हैं विच कैन बी मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीज पर डायरेक्टर। लेकिन अगर हम पार्टिकुलरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेमुनरेशन नहीं मिल सकता है, ही इज नॉट इंटाइटल टू रेमुनरेशन, ही इज नॉट इंटाइटल टू स्टॉक ऑप्शंस, ही मे बी इंटाइटल टू रेमुनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सिटिंग फीस, रीइंबर्समेंट्स एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस। सेक्शन 198 बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट की बात करता है, तो नेट प्रॉफिट कंप्यूट करने का एक फॉर्मूला दिया है विच इज नॉट सो मच रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स, में एडवाइज नहीं करता कि आप उसमें दिमाग लगाएं, आज तक कभी ना पूछा गया है, एंड अगर कभी पूछा जाता है तो फॉर दैट यू हैव टू लर्न ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, एंड अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 195 दैट इज रिकवरी ऑफ रेमुनरेशन इन सर्टेन केसेस, अब सेक्शन 199 का कोर रिलेशन बनता है 130 एंड 131 के साथ। सेक्शन क्या कहता है, मान लीजिए लेट अस अ सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए कंपनी ने 2014 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अपना नेट प्रॉफिट दिखाया 100 करोड़, अकॉर्डिंगली नेट प्रॉफिट पे अकॉर्डिंगली रेमुनरेशन पे कर दिया 11 करोड़। 2017 को पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थे 2014 के जो फाइनेंशियल्स थे वो फ्रॉडुलेंटली प्रिपेयर्ड थे, एंड जब हमें पता चला कि फ्रॉडुलेंटली प्रिपेयर्ड थे तो हो सकता है मान लीजिए सेक्शन 130 के अंदर इसका रीओपनिंग हुआ। तो जब सेक्शन 130 के अंदर बुक्स का रीओपनिंग हुआ तो रीइंस्टेट करने के बाद पता चला कि जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है दैट इज ओनली 10 करोड़, और रेमुनरेशन जाना चाहिए था 1.1 करोड़। रेमुनरेशन चला गया 11 करोड़, जाना चाहिए था 1.1 करोड़, मतलब एक्सेस रेमुनरेशन जो पे कर दिया है 9.9 करोड़ पे कर दिया है वो रिफंडेबल है। दैट इज व्हाट सेक्शन 199 सेज। उसके बाद सेक्शन 200-201 एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, आपके पास जो भी बुक्स आप चाहो तो उसे रीड कर सकते हो, बाकी चांसेस बहुत ही कम है कि एग्जाम में पूछा जाएगा।
उसके बाद वी हैव सेक्शन 202 जो कि कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस बात करता है, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। सेक्शन 202 कहता है कि मान लीजिए आपने अपने एमडी को, डब्ल्यूटीडी को या मैनेजर को, आपने अपने एमडी को, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर को टर्म से पहले निकाल दिया। क्या कर दिया? टर्म से पहले निकाल दिया, टर्म से पहले प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस हो गया, राइट? टर्म से पहले प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस हो गया। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप अपने डायरेक्टर्स को क्या कर रहे हो? टर्म से पहले रिमूव कर रहे हो भाई, सेक्शन 169 को फॉलो करते हुए। तो उनको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। कंपेंसेशन कितना देना है उस चीज का भी फॉर्मूला दिया है सेक्शन में। बट यहां पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यहां पे आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कंपेंसेशन कितना देना है, और यहां पे 6 केसेस दिए हैं जहां आप कंपेंसेशन पे नहीं कर सकते हो। देयर आर 6 केसेस गिवन जहां पे आप कंपेंसेशन पे नहीं कर सकते हो, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो केस है, डायरेक्टर ने खुद रिजाइन किया है और रेजिग्नेशन इज बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एमलगमेशन ऑफ द कंपनी, एंड ही इज अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर और अदर ऑफिसर ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी। मतलब मान लीजिए ए लिमिटेड का एमलगमेशन हुआ बी लिमिटेड के साथ, या ए लिमिटेड का मर्जर हुआ बी लिमिटेड के साथ। ए लिमिटेड के जो भी डायरेक्टर थे मिस्टर प्यारेलाल, ए लिमिटेड के डायरेक्टर को, ए लिमिटेड के एमडी को बी लिमिटेड में एमडी बना दिया गया है, या फिर सिमिलर पोस्ट दे दी गई है। लेकिन भाई मिस्टर ए का कहना है कि नहीं, हमें सिमिलर पोस्ट नहीं चाहिए, और वो अपनी मर्जी से रिजाइन करके जा रहे हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन उनको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। या फिर वेयर द डायरेक्टर रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस अदरवाइज देन बाय बिकॉज ऑफ द रीजंस। अगर कभी भी डायरेक्टर अपनी मर्जी से रिजाइन करके जाता है तो भैया हम क्या करें, हमने थोड़ी ना तुम्हें निकाला है। अगर तुम अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ के जा रहे हो तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। वेयर द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इज वैकेटेड ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर खुद ही अनसाउंड माइंड का हो गया, उसने खुद ही कोई मॉरल टप्पी टूट का कांड कर दिया, तो भैया अगर तुम खुद डिस्क्वालिफाइड हो गए सेक्शन 164 के अंदर और उसकी वजह से तुम ऑफिस छोड़ के जा रहे हो, तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम तुम्हें कंपेंसेशन किस बात का दें। वेयर द कंपनी इज बीइंग ओन्ड अप ड्यू टू द नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ द डायरेक्टर, भैया थोड़ी तो शर्मिंदगी रख लो। तुम इतने ज्यादा नेग्लिजेंट हो, तुम इतने ज्यादा बेशर्म इंसान हो कि तुमने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि तुम्हारी वजह से कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई है, और तुम्हारी वजह से कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई है, हमने तुम्हें निकालने का फैसला कर लिया है। तो अब कहते हो भैया कंपेंसेशन तो दे दो, भैया तुमसे कंपेंसेशन ले लेते हैं हम तो। पांचवा ग्राउंड, वेयर द डायरेक्टर हैज बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस और मिसमैनेजमेंट। डायरेक्टर ने क्या किया है? फ्रॉड किया है, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, या ग्रॉस नेग्लिजेंस किया है, या मिसमैनेजमेंट किया है। इन दैट सिचुएशन अगर हमने डायरेक्टर को निकाला है तो कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। एंड छठा सिचुएशन, वेयर द डायरेक्टर हैज इंस्टिगेटेड, डायरेक्टर ने खुद उकसाया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने ऑफिस को टर्मिनेट करने के लिए। डायरेक्टर ने ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं, ऐसे ऐसे एक्ट्स करे हैं कि उसने खुद उकसाया है, इंस्टिगेट किया है कंपनी को उसको ऑफिस को टर्मिनेट करने के लिए। अब कंपेंसेशन मिलेगा तो कितना मिलेगा? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपेंसेशन? तो लॉजिकल सा चीज है, कंपेंसेशन हर डायरेक्टर को सेम मिलता है कि अलग अलग मिलता है? अलग अलग मिलता है बेस्ड ऑन द रेम्यूनरेशन। तो भैया तुम्हारा जो भी एवरेज रेम्यूनरेशन बनता है पिछले 3 साल का, हम उसका कंपेंसेशन देंगे, जो भी तुम्हारा एवरेज रेम्यूनरेशन बनता है 3 साल का। लेकिन अगर डायरेक्टर 2 साल से काम कर रहा है तो ऑब्वियस चीज है कि हम 2 साल का एवरेज लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना? एवरेज रेम्यूनरेशन ऑफ 3 ईयर्स और द पीरियड सर्व्ड व्हिच एवरेज लेसर। कंपेंसेशन कितने टाइम का मिलेगा? तो हमने बोला जो भी तुम्हारा रिमेनिंग टर्म है ना उसका कंपेंसेशन मिलेगा, जितना भी तुम्हारा रिमेनिंग टर्म है। बट रिमेनिंग टर्म का एक लिमिट तो होना चाहिए। एक बंदा जो कंपनी का परमानेंट डायरेक्टर है तो अब कितने टाइम का रेमुनरेशन दे दोगे ऐसे? तो हमने बोला 3 ईयर्स और 3 ईयर्स। मतलब फॉर्मूला क्या बना? रिमेनिंग टर्म के लिए कंपेंसेशन मिलेगा और 3 ईयर्स विच एवर इज लेसर। समझ पा रहे हो कंपेंसेशन कैसे कैलकुलेट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ रेमुनरेशन ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स और द पीरियड ऑफ विच एवर इज लेसर। कंपेंसेशन कितने टाइम के लिए मिलेगा? फॉर द पीरियड ऑफ अनएक्सपायर्ड टेन्योर और 3 ईयर्स विच एवर इज लेसर। तो अकॉर्डिंगली तुम क्या करने वाले हो? कंपेंसेशन कैलकुलेट करने वाले हो। यहां एक बहुत पॉपुलर जजमेंट भी एग्जाम के लिए, दैट इज द जजमेंट ऑफ बेल वर्सेस लीवर ब्रॉज। एक बहुत पॉपुलर जजमेंट एग्जाम के लिए, दैट इज द जजमेंट ऑफ बेल वर्सेस लीवर ब्रॉज, राइट? बेल वर्सेस लीवर ब्रॉज, जिसके अंदर कहा गया, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द डायरेक्टर्स आर नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज एनी ब्रीच ऑफ फिडिशियरी ऑब्लिगेशन। डायरेक्टर ने अगर खुद कोई गलती की है, खुद कोई फिडिशियरी ऑब्लिगेशन ब्रीच करा है, डायरेक्टर ने अगर खुद गुड फेथ में काम नहीं करा है, तो वो डिस्क्लोज नहीं करेगा कंपनी को। ही इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज दैट टू द कंपनी। एंड अकॉर्डिंगली अगर किसी फ्रॉड, अगर पता चला कि आपने किसी डायरेक्टर को टर्मिनेट कर दिया है और बाद में आपको पता चला कि उसने फ्रॉड किया था, आप उसे कंपेंसेशन रिकवर नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 203, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, की मैनेजर पर्सनल। सेक्शन 203 के अंदर कहा गया है हर एक लिस्टेड कंपनी को KMP अपॉइंट करना है। फर्दर रूल 8 के अंदर कहा गया है, दैट इज
एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका भी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है उनको केएमपी अपॉइंट करना है। याद करो इंडिपेंडेंट एक्टर का फॉर्मूला क्या था। इंडिपेंडेंट एक्टर का फॉर्मूला था लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी जिन्होंने टॉप क्राइटेरिया पूरा किया था, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन, पेड अप शेयर कैपिटल। अब देखना केएमपी का क्राइटेरिया क्या है। केएमपी का क्राइटेरिया है लिस्टेड कंपनी की जगह लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और यहां हमने क्या कर लिया, हमने टॉप में से पी उठा लिया, मतलब सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल को देखेंगे। दैट इज अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा, और केएमपी में किसको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, एमडी, सीईओ या मैनेजर में से कोई एक, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस इन प्रैक्टिस, प्रोवाइडेड दैट के पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है। मतलब अगर पेड अप शेयर कैपिटल मान लीजिए कंपनी का 8 करोड़ है, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा है 10 करोड़ से कम है, तो यहां पे सीएस इन प्रैक्टिस का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। उसके बाद सेक्शन 190 सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 के अंदर कहा गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक होल टाइम केएमपी एक साथ एक कंपनी से ज्यादा में होल टाइम केएमपी नहीं हो सकता। लॉजिकल सी चीज है भैया, मैं एक कंपनी में होल टाइम केएमपी हूं, पूरा दिन का नौकरी करता हूं, तो दूसरे कंपनी के अंदर मैं होल टाइम केएमपी नहीं बन सकता एक्सेप्ट इट सब्सिडरी कंपनी। सिर्फ सब्सिडरीज का केएमपी बन सकता हूं, बट नॉट ऑल दी सब्सिडरीज, राइट, सिर्फ सब्सिडरीज का केएमपी बन सकता हूँ, सॉरी नॉट ऑल दी कंपनीज, मैं ज्यादा से ज्यादा सब्सिडरी का केएमपी बन सकता हूँ। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर एक सब्सिडरी या सारी सब्सिडरीज, कोई भी एक सब्सिडरी साथ में बन सकता हूँ या सारी सब्सिडरीज। तो यहाँ पे जनरल क्लॉजेज एक्ट कहता है कि लॉ के अंदर जहां भी वर्ड सिंगुलर यूज होता है हम प्लूरल अपने आप मान लेते हैं, मतलब अगर सब्सिडरी लिखा है तो सब्सिडरीज अपने आप मान लिया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक सिचुएशन और है, दैट इज 196 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी, एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। मान लीजिए आप रिलायंस के एमडी हो, तो अगर आप रिलायंस के एमडी हो तो आप टाटा के, मतलब सेकंड कंपनी के भी एमडी या मैनेजर हो सकते हो। अगर आप रिलायंस के एमडी हो तो सेकंड कंपनी के यानी कि टाटा के भी आप एमडी या मैनेजर हो सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपने रिलायंस के बोर्ड मीटिंग में यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर लिया है, प्रोवाइडेड दैट आपने रिलायंस के बोर्ड मीटिंग में यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर दिया है और आपने इस बात की नोटिस दे दी है कि भैया हमने यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर लिया है, आपने सारे डायरेक्टर्स को इस बात की नोटिस दे दी है कि हमने यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर लिया है, और अगर कोई भी वैकेंसी अराइज होता है केएमपी के ऑफिस में 6 महीने में फुलफिल किया जाएगा, 6 महीने के अंदर फुलफिल किया जाएगा। अब यूनानिमस रिजोल्यूशन की बातें हमने कहां कहां करी हैं सर, यूनानिमस रिजोल्यूशन की बातें हमने पूरे लॉ में 3 जगह करी हैं। एक किया था सेक्शन 162 के अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ मल्टीपल डायरेक्टर्स बाय ए सिंगल रिजोल्यूशन कंडीशन है, आपको यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। उसके बाद हमने किया था सेक्शन 186, कंपनी जब भी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी को यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग के अंदर। और अभी हम कर रहे हैं सेक्शन 203 के अंदर कि अगर आप एक कंपनी के एमडी हो और दूसरी कंपनी के एमडी या मैनेजर बनना है तो पहली कंपनी के अंदर यूनानिमस रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर लॉ में ये 3 जगहें हैं जहां पे हम यूनानिमस रिजोल्यूशन की बात करते हैं। उसके बाद वी हैव सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट एंड देन वी हैव शेड्यूल 5। सेक्रेटरियल ऑडिट, कौन सी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है, आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, बहुत सिंपल तरीका याद करने का, आप याद करो वुमेन डायरेक्टर से कंपैरिजन में याद करेंगे। वुमेन डायरेक्टर के केस में हमने क्या देखा था कि हर एक लिस्टेड कंपनी के केस में वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अदर पब्लिक कंपनी, याद है ना, टीपी क्राइटेरिया, टाइम पास क्राइटेरिया, टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 300 करोड़ एंड पेड अप शेयर कैपिटल वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़। नाउ सेक्रेटरियल ऑडिट के केस में एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है, खाली माइनस 50 कर दीजिए, मतलब लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनीज जहां भी टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है। अब आते हैं शेड्यूल 5 के अंदर, पूरा शेड्यूल 5 पढ़ना कभी मैं एडवाइस नहीं करता कि आप पूरा शेड्यूल 5 करें। शेड्यूल 5 के अंदर एक इंपॉर्टेंट एरिया हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दैट इज शेड्यूल 5 का पार्ट 2। शेड्यूल 5 का पार्ट 2 की अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही तो अपने डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन पे नहीं करेगी। भाई प्रॉफिट्स नहीं कमा रही तब भी रेमुनरेशन तो पे करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही तो कितना रेमुनरेशन आप पे कर सकते हो अपने मैनेजर पर्सनल को? तो अगर कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही है तो वहां पे लिमिट ऑफ मैनेजर रेमुनरेशन, ईयरली रेमुनरेशन डिपेंड करेगा कंपनी के इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर। किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर। हम देखेंगे कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल कितना है और बेस्ड ऑन दैट हम ईयरली रेमुनरेशन पे कर सकते हैं। पहले यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंटरफेरेंस था, आज की तारीख में यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या 5 करोड़ से कम है, आप किसी भी एक डायरेक्टर को मैक्सिमम ईयरली रेमुनरेशन पे कर सकते हो 60 लाख रुपीज। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ एंड अबव है,
बट लेस देन 100 crores है। आप किसी भी डायरेक्टर को मैक्सिमम रेमुनरेशन पे कर सकते हो 84 lakh rupees। अगर आप किसी अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 100 crore से ज्यादा है बट 250 crore से कम है तो आप किसी भी डायरेक्टर को एक्सेस रेमुनरेशन मैक्सिमम रेमुनरेशन पे कर सकते हो 120 lakh rupees। कितना पे कर सकते हो 120 lakhs। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूं कि मान लीजिए अगर यहां पे जो इफेक्टिव कैपिटल है 250 crore रुपए से ज्यादा है तो आप मैक्सिमम ईयरली रेमुनरेशन पे कर सकते हो 120 lakhs प्लस 0.01% ऑफ द एक्सेस इफेक्टिव कैपिटल ओवर 250 crores। ठीक है, तो दिस इज समथिंग एडिशनली यू हैव टू रिमेंबर। तो इफेक्टिव कैपिटल कितना है उसके हिसाब से अर्ली रेमुनरेशन डिपेंड करेगा। अब पहले क्या था कि अगर इन लिमिट्स को इंक्रीज करना है ना तो आप कहा गया था कि आप इन लिमिट्स को डबल कर सकते हो, इन लिमिट्स को डबल कर सकते हो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, और डबल से भी ज्यादा इंक्रीज करना है तो सीजे के अप्रूवल चाहिए। अब सारा कॉन्सेप्ट झमेला खत्म कर दिया, बोला कि भैया तुम इन लिमिट्स को जितना चाहो उतना इंक्रीज कर सकते हो लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आपने कोई बैंक से लोन ले रखा है, PFI से लोन ले रखा है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से लोन ले रखा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर से लोन ले रखा है, और आपने उसको उनके डिफेंड में डिफॉल्ट में क्या किया है, रिपेमेंट में क्या किया है, डिफॉल्ट किया है, तो आपको उनका भी अप्रूवल चाहिएगा, आपको उनका भी अप्रूवल चाहिएगा। अब एग्जाम के अंदर हो सकता है कि इफेक्टिव कैपिटल की फिगर दी गई हो सकता है कि इफेक्टिव कैपिटल का फिगर आपको निकालना पड़ जाए, और इफेक्टिव कैपिटल का फिगर अगर दिया गया है बहुत ही अच्छा बात है, बट अगर इफेक्टिव कैपिटल का फिगर आपको निकालना पड़ रहा है तो आप कैसे निकालोगे? तो इफेक्टिव कैपिटल को आप कैलकुलेट करने वाले हो, दैट इज एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस यहां पे फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस यहां पे शेयर प्रीमियम। लेकिन यहां पे याद रखना है कि रिवैल्युएशन रिजर्व ऐड नहीं होगा, जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो ऐड होंगे बट शॉर्ट टर्म लोन्स ऐड नहीं होंगे। जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं या डिपॉजिट्स हैं जो रिपेबल हैं आफ्टर वन ईयर वो ऐड होंगे, जो विथ इन वन ईयर पेड हैं वो ऐड नहीं होंगे। माइनस करेंगे एकुमुलेटेड लॉसेस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, माइनस क्या करेंगे एकुमुलेटेड लॉसेस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब बहुत ही सिंपल है, पेड अप शेयर कैपिटल को ऐड कर दो, शेयर प्रीमियम को ऐड कर दो, रिजर्व्स को ऐड कर दो बट उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व को ऐड मत करना, लॉन्ग टर्म लोन्स को ऐड कर दो, शॉर्ट टर्म लोन्स को ऐड मत करना, डिपॉजिट्स को ऐड कर दो बट सिर्फ वही डिपॉजिट्स को ऐड करो जो कि एक साल के बाद रिपेबल है, जो विद इन वन ईयर रिपेबल है उनको ऐड मत करना, माइनस एकुमुलेटेड लॉसेस एंड माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। लेकिन जिन कंपनीज का काम ही सिक्योरिटीज खरीदना है उनके केस में एकुमुलेटेड लॉसेस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस नहीं होगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल एंड डिपेंडिंग ऑन द इफेक्टिव कैपिटल यू आर गोइंग टू डिसाइड कि डायरेक्टर्स को ईयरली रेमुनरेशन कितना पे करना है। तो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, चाहे वो एमसीक्यू पैटर्न हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न हो, इट इज इंडेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। राइट, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको इतनी ही चीज अच्छे से याद रखनी है, दैट इज चैप्टर नंबर 13 सेक्शन 196 टू 205 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। सो अब देखना आगे की कहानी में भरने से पहले एक फ्लो ऑफ चैप्टर्स देखते हैं कि लॉ के अंदर हमारा फ्लो ऑफ चैप्टर्स किस तरीके से प्रोसीड करता है। जैसे लॉ के अंदर हमारी जो कहानी स्टार्ट होती है वो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होती है, और चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 16 बिल्कुल सीक्वेंस में हमारे सिलेबस में है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि वी हैव चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो कि कवर करता है सेक्शन 123 टू 127, उसके बाद वी हैव चैप्टर नंबर 9 कंपनी अकाउंट दैट डील्स विद सेक्शन 128 टू 138, देन वी हैव चैप्टर नंबर 10 कंपनी ऑडिट दैट डील्स विद सेक्शन 139 टू 148। अभी जो तीन चैप्टर्स हैं चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 ये सिर्फ सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए है, न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। न्यू सिलेबस में दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर ऑडिट वाला पार्ट बट नॉट लॉ वाला पार्ट। उसके बाद वी हैव चैप्टर नंबर 11 अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, चैप्टर नंबर 12 मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, चैप्टर नंबर 13 अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, चैप्टर नंबर 14 इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर नंबर 15 दैट इज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, एंड चैप्टर नंबर 16 दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो ये जो कहानी है सिक्वेंस में चलती है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स दैट इज सेक्शन 149 से लेकर 172, दैट इज हमने डिस्कस किया था अपने रिविजन लेक्चर पार्ट 1 के अंदर। उसके बाद मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स दैट इज 173 टू 195 हमने डिस्कस किया रिवीजन लेक्चर पार्ट 2 के अंदर। फिर पार्ट 3 में हमने एक अलग सा टॉपिक आईबीसी डिस्कस किया था। उसके बाद वी हैव अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस रिवीजन लेक्चर पार्ट 4, एंड साथ ही साथ ये जो तीन चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट दिस विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग इन दिस रिवीजन लेक्चर पार्ट 4। लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चेंज कर रहे हैं।
हम थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चेंज कर रहे हैं. सबसे पहले विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 16 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, उसके बाद हम लोग करेंगे कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद हम लोग करेंगे इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ पे जो अपना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, राइट. एंड पार्टिकुलरली देखना अभी तक के जो चैप्टर्स थे उन सब के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखा है. आईबीसी का मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखा है, डायरेक्टर्स का मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखा है, मतलब जनरली सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रखा है, चाहे आपने क्लासेस ली हो नहीं ली हो. एलाइड लॉ का भी समरी नोट्स आपको प्रोवाइड किया हुआ है. बट पार्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो अब जो चैप्टर्स हैं उनके समरी नोट्स अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए. सो दैट इज वाई इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट विल बी डिस्कसिंग इन अ जनरल मैनर. या तो मैं अपना बुक यूज करने वाला हूं जिसके पास मेरी बुक है आप लोग फॉलो कर सकते हो, या आपके पास जो भी जिस भी ऑथर की बुक है आप लोग फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. यू कैन जस्ट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन विद मी. तो सबसे पहले हम लोग यहां पे करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है, और चार नंबर का वेटेज नॉर्मली आपको देखने को मिल सकता है. दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. सो अगर हम लोग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, सर तो यहां पे सेक्शंस कवर्ड होता है सेक्शन 241 to 246. ठीक है, 241 to 246. तो यहां पे दो चीजें पता होनी चाहिए, ऑपरेशन क्या होता है, मिसमैनेजमेंट क्या होता है, एंड व्हाट इज द फ्लो ऑफ सेक्शंस, व्हाट इज द फ्लो ऑफ द इवेंट्स. तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है समवन मोर पावरफुल जो कि ज्यादा डोमिनेंट है वो दूसरे वाले पर्सन को ऑप्रेस कर रहा है, उसके राइट्स छीन रहा है. तो समवन मोर डोमिनेंट क्या कर रहा है? जो ज्यादा डोमिनेंट है वो सामने वाले बंदे के राइट्स को छीन रहा है. अगर हम लीगल टर्मिनोलॉजी में बात करें, अगर हम लीगल सेंस में बात करें, तो ऑपरेशन का मतलब होता है टेकिंग अवे द लीगल राइट्स ऑफ द मेंबर्स. ऑपरेशन का क्या मतलब होता है सर? ऑपरेशन का मतलब होता है टेकिंग अवे द लीगल राइट्स ऑफ मेंबर्स, लीगल राइट्स ऑफ मेंबर्स. यानी याद रखना, अगर मेंबर्स का लीगल राइट उनसे छीना जा रहा है, दैट अमाउंट टू ऑपरेशन. एक चीज याद रखना, इस चैप्टर में जब हम कहते हैं रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर ही एप्लीकेशन दे सकता है, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है कि भैया मुझे तुम ऑपरेशन से रिलीफ दे दो. इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं एप्लीकेशन नहीं दे सकता हूं रिलीफ के लिए. मैं रिलीफ के लिए एप्लीकेशन तभी दे सकता हूं अगर मैं कंपनी का मेंबर हूं. सो दैट इज समथिंग वर्थ टू बी रिमेंबर्ड. प्लस याद रखना कि रिलीफ ऑपरेशन से तभी मिलेगा अगर ऑपरेशन जो डिग्री ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा सीवियर है. एंड दैट इज प्राइमा फेसी ये जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड टू बी वाइंडिंग अप. दिस इज प्राइमा फेसी ए जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड टू वाइंड अप. बट वाइंडिंग अप और फर्दर प्रेजराइज द एप्लीकेंट्स. वाइंडिंग अप से क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू फर्दर प्रेजराइज द एप्लीकेंट्स. अगर ऐसा होता है तभी रिलीफ मिलने वाला है, वरना रिलीफ नहीं मिलने वाला है. उसके बाद अगर हम बात करें मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मिसमैनेजमेंट मतलब अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट बीइंग मैनेज्ड इन ए प्रॉपर मैनर. द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग मैनेज्ड इन ए प्रिजुडिशियल मैनर. कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मेंबर्स के हित में काम नहीं हो रहा है. अब इस चैप्टर के अंदर फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या बनेगा? सबसे पहले सेक्शन 241 कहता है एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल. साथ साथ बोलते रहोगे आप मेरे, आप क्लासेस देख रहे हो साथ साथ रिपीट करते रहोगे मेरे. सेक्शन 241 के अंदर कहा गया है एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. ट्रिब्यूनल मेरे को रिलीफ दे दो ना. ट्रिब्यूनल मेरे को रिलीफ दे दो ना. किससे रिलीफ दे दो? ऑपरेशन से रिलीफ दे दो और मिसमैनेजमेंट से रिलीफ दे दो. अब ये एप्लीकेशन की दुहाई कौन लगा रहे हैं सर? इस एप्लीकेशन की दुहाई लगा रहे हैं मेंबर्स. लेकिन क्या एक मेंबर? मैं सिंगल मेंबर हूं, सिंगल शेयर होल्डर हूं, कंपनी का एक शेयर है, मैं खड़ा हो गया, अरे ट्रिब्यूनल रिलीफ दे दो. तो क्या ट्रिब्यूनल रिलीफ देगा? नहीं देगा. एक तो मुझे ट्रिब्यूनल को कुछ सर्टन ग्राउंड सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और दूसरा मेरे को कुछ एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करनी होगी. तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइंड है सेक्शन 244 के अंदर. कहां डिफाइंड है सर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइंड है 244 के अंदर. अगर अपन सेक्शन 244 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो 241 में एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रिब्यूनल को. फिर सेक्शन 242 के अंदर ट्रिब्यूनल के पावर्स डिस्क्राइब हैं कि ट्रिब्यूनल का क्या क्या पावर है और ट्रिब्यूनल क्या कब कब रिलीफ दे सकता है, कब कब रिलीफ नहीं दे सकता है. तो सबसे पहले 241 के अंदर मेंबर्स ने एप्लीकेशन दिया ट्रिब्यूनल को. 244 के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरी करनी होगी,
और फिर सेक्शन 242 के अंदर पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल है कि क्या क्या ट्रिब्यूनल कर सकता है, क्या क्या ट्रिब्यूनल नहीं कर सकता है। उन ट्रिब्यूनल के पावर्स में एक पावर यह है कि ट्रिब्यूनल चाहे तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनको उनके टर्म से पहले निकाल सकता है। अब लॉजिकली आपके दिमाग में आएगा, अच्छा सर अगर ट्रिब्यूनल सेक्शन 242 के पावर को यूज करते हुए उन डायरेक्टर्स को अपने टर्म से पहले निकालता है उनको कंपेंसेशन मिलेगा, तो आगे सेक्शन 243 क्लैरिफाई करता है कि वैसे डायरेक्टर्स को कंपेंसेशन नहीं मिलने वाला। एंड सेक्शन 245 क्लास एक्शन की बात करता है, इट टॉक्स अबाउट क्लास एक्शन, दैट इज अगेन ए सिमिलर कॉन्सेप्ट बट नॉट द सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज ए पार्टिकुलरली टॉक्स अबाउट क्लास एक्शन। सो दिस इज द स्मॉल चैप्टर ऑल अबाउट, राइट। तो पार्टिकुलरली अब डील करते हैं एक एक सेक्शन से। तब देखना यहाँ पे सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 241 एंड सेक्शन के अंदर कहा गया है कोई भी मेंबर अगर कंप्लेन करता है, एनी मेंबर ऑफ ए कंपनी हु कंप्लेन्स दैट जो भी अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैं वो प्रिजुडिशियल हैं टू पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर ऑपरेसिव टू मेंबर्स हैं, या फिर प्रिजुडिशियल हैं टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, या फिर मान लीजिए देर इज गोइंग टू बी ए मेटेरियल चेंज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर मैनेजमेंट के अंदर कोई मेटेरियल चेंज होने वाला है और वो जो चेंज होने वाला है, वो जो कॉम्पोजिशन में चेंज होने वाला है, दैट इज लाइक to be prejudicial to the interest of the members. तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं टू द ट्रिब्यूनल प्रोवाइडेड दैट सच ए मेंबर हैज अ राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244। अब सेक्शन 244 के अंदर अपने को देखना पड़ेगा कि व्हेन द मेंबर्स हैव द राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। तो फॉर द पर्पस ऑफ राइट टू अप्लाई कंपनीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंपनीज हैविंग ए शेयर कैपिटल या फिर कंपनीज नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। तो अगर हम कहते हैं कंपनीज हैविंग ए शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे क्राइटेरिया है कि एप्लीकेशन मस्ट बी गिवन बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी, एप्लीकेशन एटलीस्ट कंपनी के अंदर 100 मेंबर्स देंगे, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स व्हिच एवर इज लेस। मान लीजिए कंपनी में टोटली 100 मेंबर्स हैं, तो एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स व्हिच एवर इज लेस, मतलब 10 मेंबर्स भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल मेंबर एप्लीकेशन दे दे या दो या तीन मेंबर्स मिलकर एप्लीकेशन दे दें, प्रोवाइडेड दैट दे होल्ड एटलीस्ट 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, प्रोवाइडेड दैट दे होल्ड एटलीस्ट 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। खाली कंडीशन ये है कि उन्होंने जितना भी कॉल मनी वगैरह है वो सारा पे कर रखा है, बिकॉज अगर कोई मनी ने कॉल मनी पे नहीं कर रखा और कंपनी के खिलाफ एलिगेशन लगाता है कि हमारे साथ ऑपरेशन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो भैया कंपनी के साथ तो ऑपरेशन तो तुम कर रहे हो, कॉल मनी तुम नहीं पे नहीं कर रखा है, या फिर इन केस ऑफ ए कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। लेकिन यहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि प्रोविजो इंसर्ट किया गया है और प्रोविजो में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल चाहे तो इन रिक्वायरमेंट्स को वेव ऑफ भी कर सकती है, यानी अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि मामला पब्लिक इंटरेस्ट में है तो ट्रिब्यूनल चाहे तो क्या कर सकती है, इन रिक्वायरमेंट्स को वेव ऑफ भी कर सकती है। फिर सेक्शन 242 के अंदर ट्रिब्यूनल के पावर्स दिए गए हैं कि जब सेक्शन 241 में एप्लीकेशन दिया गया, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं वाकई प्रिजुडिशियल हैं या ऑपरेसिव हैं या प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट हैं, प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, और जो वाइंडिंग अप है दैट वुड अनफेयरली प्रिजुडाइज सच मेंबर्स, तो ट्रिब्यूनल वहां पर क्या कर सकता है, कंप्लेन रिलीव देने के लिए कुछ ऑर्डर्स पास कर सकता है। और सब सेक्शन 2 के अंदर ऑर्डर्स की लिस्ट दी है, जिसके अंदर लंबे चौड़े ऑर्डर्स की लिस्ट दी है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सम डायरेक्टर, फॉर ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है फॉर द रिमूवल ऑफ सच डायरेक्टर्स। इस तरीके से लंबे चौड़े पावर्स की लिस्ट दी है और इन पावर्स में से एक पावर है दैट इज ट्रिब्यूनल में पास एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द एमडी, फॉर द रिमूवल ऑफ द मैनेजर, या फिर फॉर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल उठता है कि नॉर्मल प्रिंसिपल ये है कि अगर एमडी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है बिफोर द टर्म, आप उसे कंपेंसेशन दोगे। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ एंटर किया गया है और वो टर्मिनेट हो जाता है अपने टर्म से पहले, तो आपको कंपेंसेशन देना होगा। तो सेक्शन 243 इस सिचुएशन में कहता है कि यदि कोई भी ऑर्डर सेक्शन 242 के अंदर टर्मिनेट की गई है, मॉडिफाई की गई है या सेट असाइड की गई है, तो उस ऑर्डर की वजह से कोई भी कंपेंसेशन अराइज नहीं होगा, कोई भी क्लेम अराइज नहीं होगा। कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजर है या डायरेक्टर है जिसके ऑफिस को टर्मिनेट किया गया है, उसको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलने वाला है, इज नॉट गोइंग टू गेट एनी कंपेंसेशन। कंपेंसेशन तो दूर की बात है, वो बंदा कंपनी के अंदर 5 साल तक एमडी मैनेजर या WTD अपॉइंट नहीं हो सकता, वो बंदा कंपनी के अंदर 5 साल तक मैनेजर एमडी या किसी भी पोजीशन में अपॉइंट नहीं हो सकता है। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू रिमेंबर। उसके बाद सेक्शन 245 क्लास एक्शन की बात करता है। नाउ व्हाट इज क्लास एक्शन?
क्लास एक्शन इज पार्टिकुलरली फॉर सर्टेन ग्राउंड्स. मान लीजिए कंपनी कोई ऐसा एक्ट करने वाला है जो कि अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स है, कंपनी कोई ऐसा एक्ट करने वाला है जो अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स है, या फिर मान लीजिए कंपनी कुछ ऐसा करने वाला है जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, कंपनी कोई रिजोल्यूशन पास करने वाला है जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है. तो क्लास एक्शन का मतलब होता है कि एक क्लास ऑफ डिपॉजिटर्स या एक क्लास ऑफ मेंबर्स. क्लास ऑफ डिपॉजिटर्स या क्लास ऑफ मेंबर्स. अभी क्लास ऑफ डिपॉजिटर्स कौन होंगे, क्लास ऑफ मेंबर्स कौन होंगे, अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है. तो क्लास ऑफ डिपॉजिटर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं किस बात के लिए, कि मान लीजिए कंपनी कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट करने वाली है तो दे में फाइल एन एप्लीकेशन कि भाई कंपनी को वो अल्ट्रा वायरस एक्ट ना करने दिया जाए. मान लीजिए कंपनी कोई रिजोल्यूशन पास करने वाली है तो दिस क्लास होल्डर्स में फाइल एन एप्लीकेशन कि कंपनी वो रिजोल्यूशन पास ना कर सके. अगर मान लीजिए कंपनी ने वो रिजोल्यूशन पास कर दिया है तो दिस क्लास होल्डर्स माइट मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल कि आप उस रिजोल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर कर दें या उस रिजोल्यूशन पे आप कंपनी को एक्ट ना करने दें. राइट. मान लीजिए लेट अस से गलत प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की वजह से बहुत सारा डैमेजेस हो गया शेयर होल्डर्स को. सो ये जो क्लास होल्डर्स हैं ये एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रिब्यूनल को कि भाई जो कंपनी है उनके डायरेक्टर्स हैं, जो ऑडिटर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने भी रॉन्ग प्रॉस्पेक्टस इश्यू करा है. मान लीजिए कंपनी के डायरेक्टर्स ने गलत प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया जिसके वजह से शेयर होल्डर्स को लॉस हो गया. मान लीजिए ऑडिटर्स ने रॉन्ग ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया जिसकी वजह से अगेन बहुत सारे लॉसेज हो गए. तो ये लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रिब्यूनल को कि भाई ये जो भी लोग हैं, चाहे ऑडिटर्स हैं चाहे एक्सपर्ट्स हैं, इनके खिलाफ आप एक्शन ले सकें. तो ये सारे ग्राउंड्स किसमें दिए हैं सर, ये सारे ग्राउंड्स दिए हैं क्लास एक्शन के अंदर. इसको याद करने का एक और तरीका है कि अगर आपने मूवी देख रखी हो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो मूवी में क्या होता है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के अंदर, आपको याद होगा कि जो परेश रावल है उनको एक्यूज किया जाता है कि भैया वो टेररिस्ट है और परेश रावल के खिलाफ एक ऑर्डर दे दिया जाता है कि परेश रावल को फांसी की सजा सुनाई जाएगी. अब शाहरुख खान और जूही चावला क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले कोशिश कर रहे होते हैं कि परेश रावल के खिलाफ वो ऑर्डर पास ना किया जाए बिकॉज वो गलत होगा. लेकिन जब कोर्ट फैसला सुना देती है कि नहीं परेश रावल को फांसी दी जाएगी, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना किया जा सके, वो कोशिश करते हैं कि कोर्ट उस फैसले को रिवर्स कर दे. बट जब वो कामयाब नहीं होते हैं और कोर्ट उस फैसले को रिवर्स भी नहीं कर पाती और उस पर्टिकुलर डे में वो जो जल्लाद है वो उनको फांसी देने वाला होता है, तो वहां पर शाहरुख खान और जूही चावला कोशिश करते हैं कि वो जल्लाद उनको फांसी ना दे पाए और मेन टाइम में उनको रोक लिया जाता है. और उसके बाद शाहरुख खान और जूही चावला क्या करते हैं कि जो भी लोग हैं जो एक्चुअल में डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने एक्चुअल में गलत किया था और गलत इंजाम लगा दिया था परेश रावल के ऊपर, उनको पेनल्टी दी जा सके, उनको सजा दिलवाई जा सके. सिमिलर इज द केस हियर कि क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन दे रहे हैं कि कंपनी को अल्ट्रा वायरस एक्ट ना कर सके, कंपनी को रिजोल्यूशन पास ना कर सके, अगर रिजोल्यूशन पास किया है उसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सके या फिर रिजोल्यूशन पे एक्ट ना किया जा सके. और जो भी लोग हैं जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जिन्होंने फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन दिया है, फ्रॉडुलेंट प्रोस्पेक्टस इशू किया है, फ्रॉडुलेंट ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है, उन सबको सजा दिलाई जा सके. तो ये क्या है, सेक्शन 245, दैट इज क्लास एक्शन. उसके बाद सेक्शन 246. सेक्शन 246 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइंडिंग आपके कंटेक्स्ट में है, जिसके अंदर कहा गया है दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 337 टू 341, चारों सेक्शंस वाइंडिंग अप से रिलेटेड है, पेनल्टी के कंटेक्स्ट में है, शैल अप्लाई mutatis mutandis. ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है सेक्शन 241 टू 246. इस चैप्टर के अंदर याद रखिएगा कुछ जजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, पार्टिकुलरली सम जजमेंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. जैसा अगर मैं आपको कुछ पार्टिकुलर जजमेंट्स की बात करूं तो जजमेंट ऑफ राजा मुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेज नागेश्वरा राव, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है. That the consent to be given by the shareholders is reckoned at the beginning of the proceeding and the withdrawal of consent by a shareholder during the course of proceedings does not affect the maintainability of the application. अगर एक बार consent दे दिया shareholders ने और बाद में वो consent को withdraw कर रहे हैं तो that is not going to affect the maintainability of the petition. But आज के time पे rules के अंदर ये change लाया गया है कि power दिया गया है NCLT को कि NCLT चाहे तो क्या कर सकती है, allow कर सकती है removal of the application. NCLT can allow such a case. उसके बाद वी हैव अ केस ऑफ सिंधरी आयरन फाउंड्री लिमिटेड, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, दैट अ सिंगल एक्ट ऑफ ऑपरेशन विच हैज इट्स कंटिन्यूअस इंपैक्ट ऑन अमाउंट ऑपरेशन. अगर एक सिंगल एक्ट ऑफ ऑपरेशन है तो नॉर्मली उसे हम ऑपरेशन नहीं मानते, बट अगर उसका कंटिन्यूअस इफेक्ट है उसे हम ऑपरेशन मानते हैं. अगर उसका एक वन टाइम एक्टिविटी है
जिसका कंटिन्यूअस इंपैक्ट नहीं है हम उसे ऑपरेशन नहीं मानते हैं. उसके बाद वी हैव अ जजमेंट ऑफ सिंधरी आयरन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड वंस अगेन. इसमें कहा गया है कि मेजोरिटी में ऑल्सो क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 397-398, मतलब आज की तारीख में हो गया अंडर सेक्शन 241. मेजोरिटी भी क्या कर सकती है, रिलीफ क्लेम कर सकती है. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ऑपरेशन हो रहा है. बिकॉज सेक्शन के अंदर तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, मैक्सिमम क्राइटेरिया की बात नहीं की गई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. उसके बाद वी हैव द जजमेंट ऑफ थॉमस वेडन विजय वर्सेस कुत्तानड रबर कंपनी लिमिटेड. बड़ा ही फनी नाम है भाई, थॉमस वेडन विजय वर्सेस कुत्तानड रबर कंपनी लिमिटेड. फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड और पेमेंट ऑफ लो डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन. कंपनी डिविडेंड कम डिक्लेयर कर रही है या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ऑपरेशन कर रही है, बिकॉज डिविडेंड मिलना इज नॉट द लीगल राइट ऑफ मेंबर्स. उसके बाद वी हैव अ जजमेंट ऑफ अशोक बैटलनट कंपनी लिमिटेड, अशोक बैटलनट कंपनी लिमिटेड वर्सेस एमके चंद्रकांत. कंटिन्यूअस लॉसेस बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ऑपरेशन. अगर कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस सफर कर रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऑपरेशन हो रहा है. हो सकता है कि वहां मिसमैनेजमेंट हो रहा है, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि ऑपरेशन हो रहा है. उसके बाद वी हैव अ केस ऑफ तमिलनाडु ट्रांसपोर्टर्स. तमिलनाडु ट्रांसपोर्टर्स का एक जजमेंट है जिसके अंदर कहा गया है व्हेन बोथ द ग्रुप्स आर इक्वली स्ट्रांग. अगर दोनों ग्रुप्स इक्वली स्ट्रांग है, दो ग्रुप्स हैं, दोनों के पास 50-50% शेयर होल्डिंग है ऑलमोस्ट, देयर मे बी अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक. एक डेडलॉक का सिचुएशन हो सकता है, लड़ाई झगड़े का सिचुएशन हो सकता है, बट ऑपरेशन का सिचुएशन नहीं हो सकता. बिकॉज ऑपरेशन तो तभी हो सकता है सर अगर एक पार्टी ज्यादा पावरफुल है और दूसरी पार्टी कम पावरफुल है. तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको याद रखनी है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. Now coming to the next chapter, that is chapter number 15, compromise and arrangement. Compromise and arrangement की बात करें तो ये यहाँ पे covered होता है section 230 से लेकर 240 तक. कितना covered होता है सर, section 230 से 240 तक covered होता है. अब देखना, सबसे पहले application दिया था कि भैया मेरे को relief दे दो operation mismanagement से, और application किसको दिया गया था, tribunal को application दिया गया था. तो practically अब tribunal के पास choice होगा कि या तो वो relief देने के लिए क्या करे, कोई compromise या arrangement scheme बनाए, और अगर tribunal को लगता है कि relief देना possible नहीं है तो winding up को order दे दे. तो practically यहाँ पे क्या होने वाला है कि compromise and arrangement, compromise and arrangement again एक logical extension है to the chapter operation and mismanagement. इसलिए पहले हमने operation mismanagement देखा, अभी हम compromise arrangement देख रहे हैं. तो particularly आप ध्यान रखना section 230 बात करता है compromise arrangement के बारे में. 231 powers of tribunal to enforce compromise arrangement, मतलब section 230 and 231 compromise and arrangement की बात करता है. उसके बाद हमारे पास आता है section 232, 233, 234. ये तीनों ही sections mergers की बात करते हैं. Section 232 talks about mergers and amalgamation. Section 233 fast track merger की बात करता है. Section 234 merger of fast track foreign company with Indian company की बात करता है. Right? तो 230 and 231 compromise arrangement की बात करता है. Section 230 talks about compromise arrangement and 231 talks about powers of tribunal to enforce compromise arrangement. 232 बात करता है mergers amalgamation की. 233 बात करता है fast track merger की. And 234 बात करता है merger of foreign company with Indian company की. उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई जब भी मर्जर का स्कीम होगा क्या होने वाला है कि कुछ लोग डिसेंट करने वाले हैं. देयर विल बी पीपल हु विल नॉट एग्री टू द टर्म्स, हु विल नॉट एग्री टू द स्कीम, जिनको हम कहते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर. तो सेक्शन 235 टॉक्स अबाउट डिसेंटिंग शेयर होल्डर. एक कॉन्सेप्ट है यहां पे माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का. सो सेक्शन 236 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग के बारे में. सेक्शन 237 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में. सेक्शन 238 पार्टिकुलरली इज गोइंग टू टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. सेक्शन 239 के अंदर लिखा है कि जब भी एमलगमेशन वगैरह होता है तो देर इज अ टाइम पीरियड के तब तक आप बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्पोज नहीं करोगे. एंड सेक्शन 240 के अंदर कहा गया है कि मर्जर्स एमलगमेशन के बाद भी लाइबिलिटीज ऑफ ऑफिसर्स विल कंटिन्यू, उनकी लाइबिलिटीज खत्म नहीं होने वाली है. इसको आप एक तरीके से और याद कर सकते हो, तुमको पता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब क्या है. प्रैक्टिकली जब तुम शादी करते हो तो शादी का मतलब ही क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज. शादी का मतलब ही क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज. जब एक लड़का लव मैरिज करने वाला है खास करके, इसका मतलब भाई उसने कॉम्प्रोमाइज करने का पूरा पूरा सेटिंग कर लिया है कि मैं लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज करने वाला हूं. तो याद रखना, पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इज नथिंग बट ए शादी, ए लव प्रपोजल, ए लव प्रपोजल. सेक्शन 230 लव प्रपोजल है. क्या है? लव प्रपोजल है, लव मैरिज है. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का एप्लीकेशन है.
उसके बाद अगर हम बात करें तो 231, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, सेक्शन 230 के अंदर एक बंदे ने शादी का प्रपोजल दिया, मेरी शादी करा दो, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है। फिर ट्रिब्यूनल ने, ट्रिब्यूनल के पास पावर है, मतलब घर के दादाजी के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, शादी को इन्फोर्स करा सकते हैं। फिर सेक्शन 232, मतलब वो कह रहा है कि भाई शादी करनी है, मर्जर करवा दो। और फिर रहा नहीं जा रहा भाई, रहा नहीं जा रहा, जल्दी शादी करवा दो, फास्ट ट्रैक करा दो। फिर बोला एक फॉरेनर से शादी करा दो। अब जब भी घर में शादी होती है तो तुमको पता है घर के अंदर कोई ताई ताऊ मामा मामी, देयर विल बी समवन जो मुंह फुला के बैठ जाएंगे, तो उन डिसेंटिंग लोगों का क्या करना है, वो जिस 235 में दी गई है। घर के बच्चों का क्या करना है, माइनॉरिटी का क्या करना है, वो 236 में दिया गया है। सो पार्टिकुलरली सेक्शन 230 से 236 सारे सेक्शंस किसके बारे में है सर, लव मैरिज के बारे में है। और 237 यानी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में क्या होता है, दो परिवारों को मिला दिया जाता है जनहित में, दो परिवारों को मिला दिया जाता है जनहित में। तो 237 इज amalgamation of companies in public interest, and then we have section 238, 239 and 240. तो पार्टिकुलरली अगर हम बात करें तो सेक्शन 230 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, याद रखना कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, याद रखना चैप्टर के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं जो बार बार यूज होने वाले हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो बार बार यूज होने वाले हैं। बहुत ही सिंपल रहेगा सेक्शन। सबसे पहले लॉजिकली सोचो और बताओ कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके बीच प्रपोज हुआ है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके बीच प्रपोज हुआ है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके बीच होने वाला है, बताओ किसके बीच होने वाला है, कंपनी के बीच या क्रेडिटर्स के बीच या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के बीच, कंपनी के बीच या मेंबर्स के बीच या क्लास ऑफ मेंबर्स के बीच, मतलब यही कीवर्ड है, कंपनी एंड द क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स, कंपनी एंड द मेंबर्स और द क्लास ऑफ मेंबर्स, कंपनी एंड द क्रेडिटर्स और द क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, कंपनी एंड द मेंबर्स एंड द क्लास ऑफ मेंबर्स। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके बीच प्रपोज होने वाला है, साथ साथ बोलो मेरे, कंपनी के बीच और क्रेडिटर्स के बीच, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के बीच, कंपनी के बीच एंड मेंबर्स के बीच एंड क्लास ऑफ मेंबर्स के बीच। यानी ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल जो कि माई बाप है, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन कौन देगा, या तो कंपनी देगा, या तो क्रेडिटर्स देंगे, या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स देंगे, या मेंबर्स देंगे, या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स मेंबर्स देंगे। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब पार्टिकुलरली ये सारे लोग ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे रहे हैं तो खाली हाथ देंगे या कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ में देंगे, तो सेक्शन 230 सबसेक्शन 2 के अंदर कहा गया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ में देंगे। कंपनी एंड एनी अदर पर्सन जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, disclose to the tribunal by affidavit, कुछ documents भी साथ में देंगे। For example, अगर एक लड़की अपने घर वालों के पास जाती है और कहती है मुझे इस लड़के के साथ love marriage करना है, तो वो क्या कहेंगे, भाई लड़के की financial position दिखाओ, देखो कि दिखाओ कि लड़का कितना कमाता है, लड़के का valuation बताओ, हम लड़के का audit कराएंगे, और लड़का अगर हमारे बताए गए liquidity requirement को पूरा करता है, उतना liquidity है उसके पास, तब तुम्हारी शादी कराएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे कंपनी जब कॉम्प्रोमाइज का एप्लीकेशन दे रही है तो वो एफिडेविट के द्वारा डिस्क्लोज कर रही है ट्रिब्यूनल को ऑल द मैटर फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंपनी, सच एज द लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, द लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट, कॉपी ऑफ एनी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। अगर कंपनी ने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का कोई भी स्कीम पास किया है उसके बारे में भी बताना है, अगर कंपनी ने स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग का कोई भी स्कीम पास किया है उसके बारे में भी बताना है, राइट उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे दिया गया, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे दिया, पहले कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट प्रपोज किया गया कंपनी के बीच, क्रेडिटर्स के बीच, कंपनी के बीच, मेंबर्स के बीच या क्लास ऑफ मेंबर्स के बीच, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस वेरी पीपल ट्रिब्यूनल ने, ट्रिब्यूनल को हमने साथ में क्या किया, कुछ एफिडेविट के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है मैटर फैक्ट्स बताए, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में बताया, लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिट करी, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन की कॉपी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का स्कीम इफ एनी एंड स्कीम ऑफ सीडीआर इफ एनी। उसके बाद अब ट्रिब्यूनल क्या करने वाला है, व्हाट द ट्रिब्यूनल इज गोइंग टू डू, अब ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलवाने वाला है, क्या करने वाला है सर, ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलवाने वाला है, अब ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलवाने वाला है। अब अगर ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलवाने वाला है तो मीटिंग बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। अब ये जो नोटिस ऑफ मीटिंग है किसको किसको दिया जाएगा, अगेन क्रेडिटर्स को दिया जाएगा या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को दिया जाएगा या मेंबर्स को दिया जाएगा या क्लास ऑफ मेंबर्स को दिया जाएगा, मतलब वही सारी चीज आ गए। उसके बाद नोटिस जब भेजा जाएगा और किसको भेजा जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स को भेजा जाएगा। नोटिस कहां दिया जाएगा, कौन सा एड्रेस में दिया जाएगा, रजिस्टर्ड एड्रेस में दिया जाएगा, राइट। अल्टीमेटली नोटिस देने का ऑब्जेक्टिव किया है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस भरे इस चीज के बारे में कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मीटिंग होने वाला है। तो हमने नोटिस की कॉपी क्रेडिटर्स को दे दी, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को दे दी, मेंबर्स को दे दी, क्लास ऑफ मेंबर्स को दे दी, डिबेंचर होल्डर्स को दे दी, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस में दे दी। उसके बाद नोटिस कहां जाना है, नोटिस वेबसाइट में भी डिस्क्लोज होगा, नोटिस वेबसाइट में भी डिस्क्लोज होगा, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग भी करेंगे और न्यूज़पेपर एडवर्टाइज करके भी इंफॉर्मेशन देंगे कि हाँ भाई मीटिंग होने वाली है। अब नोटिस के साथ क्या देंगे, नोटिस के साथ एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भेजेंगे और नोटिस के साथ बताएंगे कि भाई जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है ऐसा ऐसा होने वाला है एंड इस स्कीम की वजह से कौन कौन सी पार्टीज हैं और उन पार्टीज में क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। मतलब नोटिस के साथ एक फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भेजेंगे कि ये जो पार्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज एमलगमेशन का स्कीम है, इस स्कीम की वजह से कौन कौन सी पार्टीज को इफेक्ट होने वाला है, वो सारी चीजें हम लोग बताएंगे और वैल्यूएशन रिपोर्ट साथ में भेजेंगे।
और नोटिस के अंदर क्या करने वाले हैं, जैसे घर के, जैसे वापस हम लव मैरिज में आए, पहले लव मैरिज का एप्लीकेशन दिया था, लव मैरिज का एप्लीकेशन दिया था, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताए लड़के के बारे में, फिर जो भी घर के दादाजी हैं उन्होंने मीटिंग बुलाई घर में सारे रिश्तेदारों की, और जब हम इनविटेशन भेजते हैं तो इनविटेशन भेजते वक्त हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि भैया तुम जरूर आना शादी में, और शादी में नहीं भी आते हो, तुम नहीं भी आते हो तो तुम्हारा जो भी चिंटू या चिंटी है उसको जरूर भेज देना। तो यहां भी हम जब नोटिस भेजेंगे नोटिस में लिख देंगे मेंबर्स को कि भैया आप लोग मीटिंग में जरूर आइएगा, और अगर मीटिंग में आप खुद नहीं आ सकते अपने प्रॉक्सीज को जरूर भेजिएगा। साथ ही साथ ये नोटिस किसको किसको जाएगा, ये नोटिस हर उस पार्टी को जाएगा जिसको भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के स्कीम की वजह से फर्क पड़ रहा है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो गया, जैसे कि सेबी हो गया, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, तो ये जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं सबको नोटिस जाएगा, और अगर 30 डेज के अंदर इनका कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उन ऑब्जेक्शंस को कंसीडर भी करना पड़ेगा। ये सारी पार्टीज को नोटिस जाएगा, और अगर 30 डेज के अंदर इनका कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उनके ऑब्जेक्टिव को कंसीडर भी करना पड़ेगा। तो नोटिस चला गया, नोटिस के साथ क्या क्या चला गया, नोट एप्लीकेशन किसने दिया था, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फाइल हुए थे, मीटिंग बुलाई गई थी, नोटिस चला गया, नोटिस के साथ क्या क्या चीजें चला गई, दैट इज क्लियर। अब क्या होने वाला है, फाइनली मीटिंग होने वाली है। अब क्या होने वाली है, फाइनली मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग में अपने को क्या चाहिएगा, मीटिंग में अप्रूवल चाहिएगा, और मीटिंग में अप्रूवल कितना चाहिएगा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग में अप्रूवल चाहिए होता है 230 सबसेक्शन 6 के अंदर कहा गया है, वेयर एट ए मीटिंग मेजोरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू। इसका मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी इन नंबर एंड 3/4 इन वैल्यू। इसका मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी नंबर एंड 3/4 इन वैल्यू, ठीक है, ऑफ द क्राइटर्स और क्लास ऑफ क्राइटर्स और द मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहां पे मेजोरिटी होनी चाहिए नंबर वाइज, सिंपल मेजोरिटी नंबर्स में भी होना चाहिए, और साथ ही साथ दैट शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट, दोज मेंबर्स शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट 3/4 इन वैल्यू। उसके ऊपर अलग से भी केस स्टडी बन सकती है। और फाइनली जब मीटिंग में अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि ट्रिब्यूनल फाइनली क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है, और ये जो ऑर्डर की कॉपी है वो हमारे माई बाप आरओसी को फाइल हो जाएगी, रजिस्ट्रार को फाइल हो जाएगी, राइट। और उसके बाद यहाँ पे एक फर्दर रिक्वायरमेंट और भी है कि नॉर्मली हमने बोला कि हमें मीटिंग बुलाना होगा, हमें अप्रूवल लेना होगा, बट ट्रिब्यूनल चाहे तो ट्रिब्यूनल डिस्पेंस ऑफ कर सकता है विद कॉलिंग ऑफ मीटिंग ऑफ क्राइटर्स। ट्रिब्यूनल चाहे तो इस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर सकता है। कब कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट जो भी क्रेडिटर्स हैं या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं हैविंग एटलीस्ट 90% ऑफ वैल्यू, वो एग्री एंड कंफर्म कर दें बाय वे ऑफ एफिडेविट कि भैया हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है स्कीम से। तो कुल मिलाकर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको सेक्शन 230 के अंदर याद रखने हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। एंड सेक्शन 230 के अंदर एप्लीकेशन दिया गया है ट्रिब्यूनल को, फिर सेक्शन 231 के अंदर कहा गया है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू इन्फोर्स कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि क्या कर सके, स्कीम को इन्फोर्स कर सके, सुपरवाइज कर सके, जो भी मॉडिफिकेशंस वगैरह है मॉडिफिकेशंस वगैरह के ऑर्डर दे सके, और अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता तो ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दे सकती है। उसके बाद सेक्शन 232, 233 एंड 234 जैसे कि हमने डिस्कस किया था मर्जर्स एंड एमलगमेशंस की बात करता है। अब मजे की बात यह है कि अगर सेक्शन 232 में मर्जर्स एंड एमलगमेशंस की बात करें, एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को यहां भी सेक्शन 230 के अंदर ही जाने वाला है। मतलब ऑल्दो हम मर्जर्स एमलगमेशंस की बात कर रहे हैं और सेक्शन 232 कवर, सेक्शन 232 गवर्न करता है मर्जर एमलगमेशन को, बट स्टिल एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी मेड अंडर सेक्शन 230। मतलब एप्लीकेशन 230 के अंदर ही जाएगा। प्रैक्टिकली बताऊं तो एप्लीकेशन 230 के अंदर ही जाएगा। उसके बाद जो सारा पॉइंट था, नोटिस वाला पॉइंट, मीटिंग वाला पॉइंट, सिंपल मेजोरिटी वाला पॉइंट, वो भी सारा सेम रहने वाला है। एप्लीकेशन सेक्शन 230 के अंदर जाने वाला है, और जो नोटिस वाला पॉइंट था, मीटिंग वाला पॉइंट था, अप्रूवल वाला पॉइंट था, वो सारा सेम रहेगा। खाली फर्क ये आएगा कि आप जब नोटिस दोगे, तो जब आप एप्लीकेशन दोगे सेक्शन 230 के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर आप क्लियरली ये बता दोगे कि ये जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट स्कीम है, इसका इंटेंशन है दो कंपनीज के बीच मर्जर करवाने का या एमलगमेशन करवाने का। तो पार्टिकुलरली आपने जब एप्लीकेशन दिया सेक्शन 230 के अंदर, तो आपने क्लियरली स्पेसिफाई कर देना है दैट द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट स्कीम has been proposed with the intention of that merger or amalgamation between two companies. But uske baad notice wala point, meeting wala point, simple majority wala point, everything is going to remain the same. Aap dekhna yahan kya likha hua hai? The tribunal on such an application order a meeting of the creditors and the provisions of section 230 subsection 3 to subsection 6 shall apply mutatis mutandis. मतलब वो सारी कहानी सेम रहने वाली है, खाली एप्लीकेशन के वक्त एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है सर, सेक्शन 232 के अंदर जो ट्रिब्यूनल के लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स हैं वो चेंज होने वाले हैं। तो सेक्शन 232 के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग के लिए बनता है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल टू सैंक्शन द स्कीम ऑफ एमलगमेशन। बहुत ही लॉजिकल है।
एक एमलगमेशन के स्कीम में क्या होता है, एक एमलगमेशन के स्कीम में क्या होता है, जो भी ट्रांसफरर कंपनी के एसेट्स हैं, जो भी एक होगी ट्रांसफरर कंपनी, एक होगी ट्रांसफरी कंपनी, तो जो भी ट्रांसफरर कंपनी के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली ट्रांसफरी कंपनी बदले में क्या करेगा, परचेज कंसिडरेशन अलॉट करेगा, ट्रांसफरर कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफरर कंपनी के जो भी लीगल केसेस चल रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट। तो ये सारे के सारे ट्रांसफर हो गए। अब पार्टिकुलरली इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स भी होंगे। तो पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल के अंदर ना 4-5 पॉइंट्स तो यही आ गया, मतलब ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी, द होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज, allotment of purchase consideration, continuation of legal proceedings, provision for the dissenting shareholders, transfer of the employees, तो 4-5 पॉइंट्स तो यही आ गया, ठीक है। इसके अंदर आप एक पार्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज अगर ट्रांसफर लिस्टेड कंपनी है और ट्रांसफरी अनलिस्टेड कंपनी है, अगर ट्रांसफर क्या है लिस्टेड कंपनी है और ट्रांसफरी अनलिस्टेड कंपनी है, तो सिर्फ और सिर्फ मर्जर की वजह से या एमलगमेशन की वजह से ट्रांसफरी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं बन जाएगी, इट विल रिमेन ए अनलिस्टेड कंपनी अंटिल इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ लिस्टिंग। ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने जिससे शादी करी शी इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं कह रहा हूं कि शादी करने के बाद वो भी सीए बन जाएगी, दैट इज इलॉजिकल। वो तो सीए तभी बनेगी अगर वो एग्जाम पूरा क्लियर करेगी। तो सिमिलरली अगर यहां पे ट्रांसफरर कंपनी लिस्टेड कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड नहीं बन जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ मर्जर और एमलगमेशन। और यहां पे पॉसिबिलिटी है कि जो शेयर होल्डर्स है वो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं इस रीजन की वजह से, तो जो शेयर होल्डर्स ऑप्ट आउट करना चाहते हैं हमें उनको एक एग्जिट ऑप्शन भी देना होगा। ये सारी चीजें पावर्स के अंदर दी गई है, और एक सन्ड्री पावर जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, सच इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंटल एंड सप्लीमेंट्री मैटर्स, तो ये भी ट्रिब्यूनल्स के पावर्स के लिस्ट में आता है। अब यहां पर ध्यान रखना सर, सेक्शन 230, 231 एंड 232 के अंदर आरटीपी में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था अभी 3 अटेम्प्ट पहले लगभग, दैट यहां पे एप्लीकेशन आप ट्रिब्यूनल की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे, और काफी बुक्स में आज तक भी अमेंडमेंट फॉलो हो रहा है कि हाँ भाई ट्रिब्यूनल की जगह सीजी को एप्लीकेशन दिया जाएगा, बट आरटीपी में एक सेंटेंस लिखना मिस कर गया वो, कि ये जो एप्लीकेशन दिया जाएगा टू सीजी इंस्टेड ऑफ ट्रिब्यूनल, दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, सो डू रिमेंबर। उसके बाद आता है सेक्शन 233, दैट इज फास्ट ट्रैक मर्जर। अब फास्ट ट्रैक मर्जर मतलब भाई हमें जो लंबा चौड़ा कंडीशन है मर्जर का वो फॉलो नहीं करना, देयर इज रेदर ए फास्ट ट्रैक मर्जर ऑप्शन। तो इस सेक्शन के अंदर कहा गया, 233 के अंदर कहा गया है कि अगर मर्जर या एमलगमेशन दो या दो से ज्यादा स्मॉल कंपनीज के बीच होता है, अगर मर्जर या एमलगमेशन दो या ज्यादा स्मॉल कंपनीज के बीच होता है, या फिर होल्डिंग कंपनी एंड उसके होल्डिंग ऑन सबसे के बीच होता है, अगर मर्जर या एमलगमेशन दो या दो से ज्यादा स्मॉल कंपनीज के बीच होता है, या फिर होल्डिंग कंपनी एंड उसके होल्डिंग ऑन सबसे के बीच होता है, तो नॉट विदस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 230 एंड 232, मतलब सेक्शन 230 एंड 232 में जो भी लिखा है भार में जाए, सेक्शन 230 एंड 232 में जो भी लिखा है भार में जाए, ये कंपनीज चाहे तो फॉलो कर सकती हैं सेक्शन 233 का प्रोसीजर। मतलब अगर मर्जर या एमलगमेशन दो स्मॉल कंपनीज के बीच होता है और होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग और सबसे के बीच होता है, इनके पास चॉइस है, या तो ये सेक्शन 230 एंड 232 के अंदर दिया गया लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो कर सकती हैं, या फिर ये जो फास्ट ट्रैक प्रोसेस है वो फॉलो कर सकती हैं। और अगर ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस फॉलो करती हैं, तो कुल मिलाकर 2-3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दैट इज फाइन। दूसरी चीज, आपको एटलीस्ट 90% ऑफ द मेंबर्स का कंसेंट लेना होगा, आपको एटलीस्ट 9/10 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स का कंसेंट लेना होगा, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, एटलीस्ट इतना कंसेंट लेना होगा, 9/10 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, एटलीस्ट इतना कंसेंट लेना होगा। उसके बाद दोनों की दोनों कंपनीज को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आरओसी को फाइल करना होगा, दोनों की दोनों कंपनीज को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आरओसी को फाइल करना होगा। यहां पे सबसे बड़ा चेंज यह है कि एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को नहीं जाएगा, एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। इस पार्टिकुलर अगर हम फास्ट ट्रैक प्रोसेस की बात करें, तो एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को नहीं जाने वाला, एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाला है, रिकमेंडेशन कंसीडर करने वाला है आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर का। सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर इफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड। नाउ After considering the recommendation of ROC and official liquidator, अगर central government को लगता है कि जो application है वो public interest में है, तो central government fast track scheme sanction कर सकती है। But after considering the recommendation of ROC and official liquidator, अगर central government को लगता है कि जो application है वो public interest में नहीं है, तो central government क्या कर सकती है, application को reject कर सकती है, और यही मामला tribunal को transfer कर सकती है, और tribunal को specify कर सकती है कि भाई मेरे पास fast track में application आया था,
बट फास्ट ट्रैक का एप्लीकेशन इंटरटेन इस सेक्शन के अंदर नहीं हो सकता, तो आप कृपया करके क्या करें, इसी एप्लीकेशन को इंटरटेन करें अंडर सेक्शन 230 एंड 232। तो आप कृपया करके क्या करें, इसी एप्लीकेशन को इंटरटेन करें अंडर सेक्शन 230 एंड 232। तो ये सारी बातें कहां कहां कही गई हैं, सेक्शन 232 के अंदर कही गई हैं, 233 के अंदर कही गई है, सॉरी। उसके बाद 234 मर्जर और एमलगमेशन ऑफ फॉरेन कंपनी विद इंडियन कंपनी, कि एक फॉरेन कंपनी का जो एमलगमेशन है, मर्जर है, वो भी इंडियन कंपनी के साथ हो सकता है, लेकिन आरबीआई के अप्रूवल चाहिए। और यहां पे जो कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन कैश के फॉर्म में हो सकता है या डिपॉजिटरी रिसिप्ट के फॉर्म में हो सकता है या पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के फॉर्म में हो सकता है। यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि नॉर्मली जब हम फॉरेन कंपनी की बात करते हैं तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन अपन देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर। और सेक्शन 2 क्लास 42 के अंदर क्या लिखा गया है, फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी जो कि देश के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है बट इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, चाहे उसका इस देश के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद आता है सेक्शन 235 डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के बारे में। सेक्शन 235 पर्टिकुलरली डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के बारे में आता है। अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, अब प्रैक्टिकली सेक्शन क्या कर रहा है, याद रखना सेक्शन 235 बड़ा ही मारधार वाला सेक्शन है। सेक्शन 235 बड़ा ही हॉस्टाइल सेक्शन है, इट्स अ वेरी वेरी हॉस्टाइल सेक्शन, इट्स अ वेरी वेरी मारधार वाला सेक्शन। सेक्शन 235 हेल्प करता है एक कंपनी को कि वो दूसरी कंपनी को अपनी होली ऑन सब्सी बना सके। याद रखना सेक्शन 235 हेल्प करता है एक कंपनी को कि वो दूसरी कंपनी को अपनी होली ऑन सब्सी बना सके, लेकिन कंडीशन है कि 4 महीने के अंदर कंपनी को 9/10 इन वैल्यू का अप्रूवल लेना होगा। कंडीशन है कि कंपनी को 4 महीने के अंदर 9/10 इन वैल्यू का अप्रूवल लेना होगा कि भाई तुम अगर 9/10 इन वैल्यू का अप्रूवल ले चुके हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे कि जो बचे हुए 1/10 है, जो डिसेंट कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं शेयर देने को, हम फोर्स करेंगे उनको, कंपेल करेंगे कि उनको अपना शेयर सरेंडर करना होगा। तो कंपनी के पास 4 महीने का टाइम होता है, 4 महीने के अंदर कंपनी को एटलीस्ट 9/10 इन वैल्यू को अपनी तरफ करना होता है। जैसे ही 4 महीने के अंदर कंपनी ने 9/10 इन वैल्यू को अपनी तरफ कर लिया तो सेक्शन कहता है कंपनी जितने भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको 2 महीने के अंदर एक नोटिस देगा। कंपनी जितने भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको 2 महीने के अंदर एक नोटिस देगा। फिर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के पास 1 महीने का टाइम होगा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के पास 1 महीने का टाइम होगा कि वो लोग फर्दर अपील कर सकते हैं। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के पास 1 महीने का टाइम होगा कि वो लोग फर्दर अपील कर सकते हैं। अगर वो लोग फर्दर अपील नहीं करते हैं इट मींस दे आर रेडी टू सरेंडर, एंड अगर वो लोग फर्दर अपील करते हैं बट हार जाते हैं अगेन दे हैव टू सरेंडर। अब पार्टिकुलरली व्हाट इज मोर लॉजिकल, मान लो मैं एक्वायरर कंपनी हूं, तुम टारगेट कंपनी हो, एक तो मैं टारगेट कंपनी के जाके हर एक शेयर होल्डर को इंडिविजुअली सेटल करूंगा, या फिर मैं जो टारगेट कंपनी है उसको अपना रजिस्टर्ड ओनर मान लूंगा, रजिस्टर्ड होल्डर मान लूंगा, पूरा का पूरा जो भी परचेस कंसिडरेशन बनता है वो टारगेट कंपनी को कर दूंगा, और टारगेट कंपनी क्या करेगी, अपने अपने शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट कर देगी, विच इज मोर लॉजिकल। आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज मोर लॉजिकल। तो यहां पे क्या होगा कि जो एक्वायरर कंपनी है वो टारगेट कंपनी को अपना रजिस्टर्ड शेयर होल्डर मान लेगा, सारा का सारा परचेस कंसिडरेशन उसको पे कर देगा, और फिर टारगेट कंपनी क्या करने वाला है, वो जो पैसा मिलने वाला है उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने वाला है। सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा रखने के बाद डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप अपने अपने शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कर दें, आप अपने अपने शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कर दें, और शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करके अपना हिस्सा का जो भी पैसा बनता है लेके चले जाएं। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 235 सेज। उसके बाद आता है सेक्शन 236, दैट इज माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। नाउ दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, इसको हम फ्रेंडली सेक्शन भी बोलते हैं। यह सेक्शन क्या कहता है, मान लीजिए कुछ एक्विजिशन का प्रोसेस हो रहा है, ए लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड का कुछ शेयर होल्डिंग एक्वायर किया, पहले 10% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया था, फिर 15% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया, फिर 10% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया, फिर 10% एक्वायर किया, फिर 30% एक्वायर किया। ये एक्विजिशन के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, मान लीजिए इनिशियल 10% आईपीओ के थ्रू था, फिर 15% एफपीओ के थ्रू था, फिर 10% कुछ कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू डिबेंचर्स के थ्रू था, फिर 30% मान लीजिए कोई मर्जर एमलगमेशन के स्कीम के थ्रू था। बट इन दिस प्रोसेस एक्विजिशन करते करते ये लोग क्या बन गए, 90% शेयर होल्डर्स बन गए, ये लोग 90% शेयर होल्डर्स बन गए। तो सेक्शन कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्विजिशन अगर आपने 90% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ही लिया है तो यहां पे ए लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, जो 10% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जो 10% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, 10% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी क्या करना पड़ेगा, ऑफर देना पड़ेगा।
तो सेक्शन कहता है कि क्योंकि आपने 90% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ही ली है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्विजिशन, तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है आपको उनको भी ऑफर देना पड़ेगा कि आप भी अपने शेयर हमें सरेंडर कर सकते हो. और सिमिलरली जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो लोग भी ऑफर दे सकते हैं कंपनी को कि भाई 90% शेयर तो खरीद ही लिया है, हमारे शेयर्स भी खरीद लें. तो एदर द कंपनी कैन गिव ऑफर टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कैन गिव एन ऑफर टू द कंपनी कि भैया मेरे शेयर्स भी खरीद लो. और इस शेयर का जो वैल्यूएशन होगा, इन शेयर्स का जो वैल्यूएशन होगा वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा कराया जाएगा अंडर सेक्शन 247. इन शेयर का जो वैल्यूएशन होगा वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा कराया जाएगा अंडर सेक्शन 247. उसके बाद शेयर्स का वैल्यूएशन हो गया रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा अंडर सेक्शन 247. फिर क्या होने वाला है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलने वाला है. ध्यान से सुनना, फिर क्या होने वाला है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलने वाला है. माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जितना भी पैसा बनता था वो सेपरेट बैंक अकाउंट में डल जाएगा. वो सेपरेट बैंक अकाउंट कितने टाइम के लिए खुलता है, तो अगेन आप देखोगे सेक्शन के अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि प्रैक्टिकली जो सेपरेट बैंक अकाउंट खुलता है वो 60 डेज के लिए खुलता है, 60 दिनों के लिए खुलता है, एक साल के लिए, सॉरी, सेपरेट बैंक अकाउंट एक साल के लिए खुलता है. बट जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स उनको पेमेंट 60 डेज में डिसबर्स कर देना है. यानी जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट बनता है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में बनता है. सेपरेट बैंक अकाउंट के पार्टिकुलरली ओपन होता है फॉर 1 ईयर, बट सारी पेमेंट डिसबर्स हो जानी है फॉर 60 डेज, विद इन 60 डेज. तो अकाउंट एक साल के लिए क्यों खुला, क्योंकि हमने कहा कि वैसे तो आप सारे 60 डेज के अंदर सारा पेमेंट डिसबर्स कर दोगे टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, बट किसी भी रीजन की वजह से अगर पेमेंट 60 डेज में क्लेम नहीं किया जा सका तो एक साल तक आप पेमेंट कर सकते हो, आप एक साल तक पेमेंट कर सकते हो. बिल्कुल पुराने कॉन्सेप्ट की तरह ट्रांसफर कंपनी यहां पर भी ट्रांसफर एजेंट की तरह एक्ट करेगा. इंस्टेड ऑफ पेइंग टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स डायरेक्टली, हम लोग ट्रांसफरर कंपनी को पे कर देंगे और वो लोग अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को क्या कर देंगे, पे कर देंगे. वो लोग क्या कर देंगे, अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे. उसके बाद कहा गया है, अब प्रैक्टिकली हो सकता है कि आपने जब कंसिडरेशन डिटरमाइन किया माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का और कंसिडरेशन डिटरमाइन करके आपने पेमेंट की बात करी, तो हो सकता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर नॉट हैप्पी विद द कंसिडरेशन दैट इज डिसाइडेड. तो सबसेक्शन 8 में कहा गया है कि अगर मान लीजिए 75% ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, मतलब माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी था, मतलब 90% वॉज द मेजोरिटी, 10% वॉज द माइनॉरिटी, तो जो 10% माइनॉरिटी था उसके भी 75% की बात हो रही है, कि जो 75% और मोर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है अगर वो लोग खुश नहीं है प्राइस से, दे मे नेगोशिएट फॉर ए हायर प्राइसिंग, दे मे नेगोशिएट फॉर ए हायर प्राइसिंग. ध्यान से समझना, 90% एक्विजिशन हो गया था, 10% माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग था. अब ये जो 10% माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है इसका 75% ऑफ 10%, दे आर नॉट हैप्पी विद द प्राइस, they are negotiating for higher price. अब प्रैक्टिकली क्या हुआ कि हायर प्राइस डिटरमाइन हो गया. अब अगर हायर प्राइस डिटरमाइन हो गया तो एडिशनल जो कंसिडरेशन है, जो एडिशनल कंसिडरेशन डिटरमाइन हुआ है, ये एडिशनल कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ इन 75% शेयर होल्डर्स को मिलेगा जिन्होंने नेगोशिएट किया था, या पूरा का पूरा माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग ग्रुप को मिलेगा, पूरा का पूरा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. तो ये जो एडिशनल कंसिडरेशन डिटरमाइन हुआ है सर, ये पूरा का पूरा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ग्रुप को मिलेगा, और ये मिलेगा प्रो रेटा के हिसाब से. कैसे मिलेगा, प्रो रेटा के हिसाब से. So that is what that was studied in section 236. उसके बाद आता है सेक्शन 237, दैट इज जस्ट लाइक अरेंज मैरिज, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट. तो सेक्शन के अंदर क्या कहा गया है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट. तो अरेंज मैरिज में क्या होता है, दो परिवारों को मिला दिया जाता है जनहित में. लेकिन याद रखना, शादी अरेंज मैरिज है, बट लड़की ना पुराने जमाने की नहीं है, नए जमाने की है. तो लड़की का क्या कहना है, कहना है कि देखो तुम मेरी शादी करा रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब घर के इंटरेस्ट में, ठीक है, लेकिन शादी से पहले मेरा जो भी राइट था, शादी से पहले मेरा जितना भी राइट था, जितना भी पावर था, वही सारा राइट और पावर मेरा शादी के बाद भी रहना चाहिए. और अगर शादी के बाद मेरा राइट पावर कम हो गया ना, तो तुमको पता है कि भाई आज के टाइम में वो बहुत डेंजरस है, वो सीधा कंपेंसेशन डिमांड करेंगे, सीधा डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करेंगे. और अगर वहां पे अगर तुम जो कंपेंसेशन ऑफर कर रहे हो वो खुश नहीं है, वो अपील भी करेंगे, ऐसा ही होता है ना. तो यहां भी ऐसा ही है. सबसे पहले कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट टू और मोर कंपनीज शुड एमलगमेट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालकर दो कंपनीज को मिला सकती है. इट में मर्ज टू और मोर कंपनीज इन टू ए सिंगल कंपनी विद सच पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड, और जो भी पेंडिंग लिटिगेशन वगैरह है वो ट्रांसफर हो जाएगा, राइट. अब जो भी मेंबर या क्रेडिटर है, मतलब पहले एमलगमेशन से पहले जो भी मेंबर या क्रेडिटर्स है इंक्लूडिंग द डिबेंचर होल्डर, उनके पास नियरली सेम राइट्स ही होना चाहिए आफ्टर द मर्जर और एमलगमेशन. और अगर उनके पास लेसर राइट्स होता है, अगर मर्जर एमलगमेशन के बाद आप उनको लेसर राइट्स देते हो, दे आर इंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन.
और अगर वो लोग कंपेंसेशन से खुश नहीं है तो वो लोग फर्दर अपील कर सकते हैं, वो लोग फर्दर अपील कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज आपको याद रखनी है 237 के अंदर। उसके बाद आता है सेक्शन 238, एवरी सर्कुलर कंटेनिंग सच ऑफर एंड रिकमेंडेशन टू द मेंबर्स शैल बी प्रेजेंटेड टू आरओसी। कोई भी सर्कुलर आप निकालोगे ऑफर के रूप में तो आपको पहले आरओसी को रजिस्टर कराना पड़ेगा, आरओसी रजिस्टर कराएगा तभी उसको वैलिड माना जाएगा। और अगर आरओसी उस सर्कुलर को रजिस्टर करने से मना करता है आप उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील भी फाइल कर सकते हो। सेक्शन 239 के अंदर कहा गया है कि जो भी बुक्स एंड पेपर्स हैं वो तब तक डिस्पोज नहीं होंगे जब तक सीजी का अप्रूवल नहीं मिल जाता। और सेक्शन 240 के अंदर कहा गया है कि एमलगमेशन के बाद भी, मर्जर्स के बाद भी, जो भी ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहने वाली है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर भी कुछ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हमारे पास, जैसे वी हैव अ जजमेंट ऑफ हरिकृष्ण लोहिया, टू एमलगमेट इज द पावर ऑफ द कंपनी नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। एमलगमेशन कंपनी का पावर है, कंपनी का ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा है तब भी कंपनी एमलगमेशन कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी हैव अ जजमेंट ऑफ पीरामल एसपीजी वर्सेस विविंग मिल्स लिमिटेड, वी हैव अ जजमेंट ऑफ हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड, ये दोनों जजमेंट सिमिलर डायरेक्शन में है। पीरामल एसपीजी वर्सेस विविंग मिल्स लिमिटेड में कहा गया है जो भी बंदा वैल्यूएशन को चैलेंज कर रहा है, जो भी बंदा वैल्यूएशन को चैलेंज कर रहा है जो कि डिटरमाइन किया गया है बाय द मेंबर्स, अप्रूव किया गया है बाय द मेंबर्स, तो अनलेस द पर्सन हु चैलेंजेस द वैल्यूएशन सेटिस्फाइड द कोर्ट दैट द वैल्यूएशन इज अनफेयर, कोर्ट विल नॉट डिस्टर्ब द स्कीम ऑफ एमलगमेशन। हिंदुस्तान लिवर एम्प्लॉयज वर्सेज हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड में कहा गया है कि वैल्यूएशन को कंफर्म किया है रेप्यूटेड फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, तो अगर वैल्यूएशन को कंफर्म किया है रेप्यूटेड फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, अगेन अगर कुछ शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है तो आप उनके ऑब्जेक्शन को कंसिडर नहीं करोगे। उसके बाद वी हैव अ जजमेंट ऑफ एमजी इन्वेस्टमेंट केस, इसमें क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चैलेंज कर रही है एक्सचेंज रेशियो को कि एक्सचेंज रेशियो बराबर नहीं है जो डिटरमाइन हुआ है इन द कॉम्प्रोमाइज स्कीम, तो यहां भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। इवन तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एप्लीकेशन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चैलेंज कर रहा है एक्सचेंज रेशियो को, तब भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करने वाला है इन द स्कीम ऑफ एमलगमेशन अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रूव्स दैट द वैल्यूएशन इज अनफेयर। एंड देन वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ नॉक्स वर्सेस डॉकेस्टर एमलगमेटेड कॉलियरीज लिमिटेड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है सर, नॉक्स वर्सेस डॉकेस्टर एमलगमेटेड लिमिटेड। कि मान लीजिए आपको पता प्रैक्टिकली एमलगमेशन का एक रीजन होता है एम्प्लॉय का ट्रांसफर, कि यार उसका एम्प्लॉय मेरे पास आ जाएगा, लेकिन पता चला कि एमलगमेशन के बाद एम्प्लॉय ने आना से मना कर दिया कि मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं जाऊंगा, तो सवाल उठता है कि क्या एम्प्लॉयज मना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक बहुत ही मस्त जजमेंट दिया और कहा दैट एम्प्लॉयज आर नॉट द फर्नीचर ऑफ द कंपनी विच कैन बी साइलेंटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एमलगमेटिंग कंपनी टू एमलगमेटेड कंपनी। एम्प्लॉयज हमारे फर्नीचर्स नहीं है कि तुम उनको उठाकर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पटक दो, राइट। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, दिस इज द चैप्टर ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जिसमें हमने कवर किया है सेक्शन 230 से लेकर 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो 230 से लेकर 246 कंबाइंड कहानी चलती है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, बट पढ़ते वक्त पहले आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पढ़ने वाले हो फिर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट पढ़ने वाले हो, दैट इज अ मोर लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ डूइंग दिस चैप्टर्स।